So, hello guys, welcome back to Marks Up. In this particular session, we are going to start a very important chapter from examination's point of view, that is structural organization in animals. And we are going to segregate this whole chapter into two different parts. पहले part में हम लोग बात करेंगे about animal tissues, and after that, in the second part, we are going to talk about the type study of phylum Arthropoda, that is, we are going to talk about cockroach in detail. So, cockroach के अंदर जो भी systems आपको देखने को मिलते हैं, that is digestive system, circulatory system, excretory system, reproductive system, as well as उसकी general body organization और morphology, इन सारी की सारी चीजों के बारे में हम अगले session के अंदर बात करने वाले हैं. आज हम लोग animal tissues के बारे में detail में बात करेंगे. Animal tissues क्या होते हैं, उनकी general definition क्या है, animal tissues कितने type के होते हैं, और जो भी आपको पर्टिकुलर टाइप्स यहाँ पर बताए जाएंगे उनके सब टाइप्स क्या हैं और वो किन किन जगह मौजूद होते हैं, ये सारी चीजें आपको जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़नी होती हैं. जैसे कि आपका एपिथेलियल टिश्यू है, तो एपिथेलियल टिश्यू कितने तरीके का हो सकता है, सिंपल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, स्क्वैमस हो सकता है, कॉलमनार हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है, सिलिएटेड हो सकता है. तो वो कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, इनके स्पेसिफाइड एग्जाम्पल्स क्या है, एज वेल एज इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या इनके फंक्शनल एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पता लगने वाली. इंपॉर्टेंस इस चैप्टर की क्या है कि यहां से आपकी ह्यूमन बायोलॉजी काइंड ऑफ स्टार्ट हो चुकी है. जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, यानी प्लांट फिजियो के बाद के 7 चैप्टर्स जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी के अंदर से, तो आपको वहां पर लिखा हुआ मिलेगा कि आपके एलिमेंट्री कैनाल में इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ का टिश्यू प्रेजेंट होता है. आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप देखेंगे कि नेफ्रॉन में जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसमें एक अलग तरीके की लाइनिंग प्रेजेंट रहती है. जो ब्लड वेसल है उनमें अलग तरीके की लाइनिंग प्रेजेंट रहती है. तो ये सारी की सारी डक्ट्स की, ट्यूब्स की, और अलग अलग जो आपकी बॉडी के पार्ट्स हैं इनकी लाइनिंग्स एंड की कवरिंग्स किस टिश्यू की बनी है वो आपको इसी चैप्टर में याद हो जाएंगी. यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब आप 7 अलग अलग चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आप इन्हीं टिश्यूज का एक बायफर्केशन पढ़ते हैं. आप ये समझते हैं उन चैप्टर्स के अंदर कि एक पर्टिकुलर टिश्यू किस किस स्पेसिफाइड ऑर्गन में प्रेजेंट है और अलग अलग ऑर्गन्स में वो किस प्रकार से अपने कामों को कर रहा है, अपनी फंक्शनैलिटीज को किस हिसाब से निभा रहा है. सो ये चैप्टर बहुत ज्यादा क्रिटिकल इसीलिए हो जाता है क्योंकि इस चैप्टर की एप्लीकेशन हमें पूरी की पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में देखने को मिलेगी. तो अगर आप टिश्यूज को गौर से समझ लेते हैं तो आप एनिमल बायोलॉजी में एक बार अपना कदम जमा चुके होते हैं, जिसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी को समझना एक आसान स्टेप जो है आपको लगने लगता है, एंड अल्टीमेटली ह्यूमन फिजियोलॉजी पर आपकी अच्छी पकड़ बन जाती है अगर आप यहीं से कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से समझते हुए चलते हैं. तो सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ टिश्यू एंड डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज विच आर गिवन इन योर बुक. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन एनिमल टिश्यूज, और सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द डेफिनेशन ऑफ टिश्यूज. लेकिन उससे पहले हम लोग दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको क्लासीफाई करेंगे बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो इस दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे एक ही किंगडम के अंदर प्रेजेंट हैं, जिसको आप किंगडम एनिमेलिया बोलकर रिप्रेजेंट करते हो. तो एनिमेलिया मैं यहाँ पर सबसे टॉप के ऊपर लिख देता हूँ. एंड एनिमेलिया के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, यानी इस दुनिया के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं, वो सारे के सारे कैसे थे, वो सारे के सारे आपके मल्टी सेलुलर थे. तो यहाँ पर मैं आपका मल्टी सेलुलर भी लिख देता हूँ ब्रैकेट के अंदर. अब ये जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं ये अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो कर सकते हैं, अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोजेस कर सकते हैं. सबसे सिंपल जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है ये आपको स्पंजेस में देखने को मिलती है, जो कि सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स माने जाते हैं. तो स्पंजेस जो है इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेंगी, यानी अलग अलग टाइप के सेल्स ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे. यहाँ पर कोई टिश्यू नहीं बना है, तो यहाँ पर सिर्फ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं. तो किन में पाई जाएगी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पॉरीफेरा फाइलम के अंदर, जिनको आप प्यार से स्पंजेस भी बुलाते हैं. इसके बाद अगर आप नेक्स्ट बायफर्केशन देखें तो यहां पर आपको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाती है. किन के अंदर, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा के अंदर. तो यहां पर आपको टिश्यूज देखने को कहां मिल जाएंगे, टिश्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे सीलेंट्रेटा के अंदर एज वेल एज टीनोफोरा के अंदर. सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा के बाद और हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आती है, दैट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपको काफी सारे प्लेटी हेलमिंथ में देखने को मिल जाती है, यानी कि आपको काफी सारे फ्लैट वॉर्म्स में इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाती है. एग्जाम्पल क्या हुआ, आपके प्लेटी हेलमिंथ, यानी आपके फ्लैट वॉर्म्स किसमें आ गए, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आ गए. और इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे ऑर्गन सिस्टम्स. तो यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में देखने को मिलती है,
यानी काफी सारे प्लेटी हेलमिंथ के अंदर भी आपको ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है, एंड इसके आगे जितनी भी फाइलम्स हैं जैसे कि एस्केलमिंथ है, एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इकाइनोडर्मेटा है, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, सबके अंदर आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाएगी। तो ये जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है पॉरीफेरा के अंदर, इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। पॉरीफेरा का अगर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें तो कैसा होगा, पॉरीफेरा के अंदर सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थी, छोटे छोटे छेद थे जिनसे कि पानी इनकी बॉडी के अंदर आ रहा था। ये जो छोटे छोटे छेद थे इन्हें आपने क्या बोला, इन्हें आपने प्यार से बोला ऑस्टिया, जो कि थाउजेंड्स हो सकते हैं नंबर के अंदर, मिलियंस भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा आपका पॉरीफेरा है। ये ऑस्टिया जो है ये पानी को लेकर जाते हैं कैविटी के अंदर, और इस कैविटी को आपने क्या बोल दिया, इस कैविटी को आपने बोल दिया स्पंजोसील, इस कैविटी को आपने बोल दिया स्पंजोसील। और ये जो पानी लेकर आए हैं इस स्पंजोसील के अंदर, ये बाहर निकल जाएगा एक बहुत बड़े पोर के थ्रू, और इस पोर को आपने क्या बोल दिया, ये जो आउटलेट पोर है इसको आपने क्या बोल दिया, ऑस्क्युलम बोल दिया। तो ऑस्टिया से पानी अंदर आया और ऑस्क्युलम से बाहर चला गया स्पंजोसील से होते हुए, जिसको आप सेंट्रल कैविटी भी बोलते हैं। ये जो स्पंजोसील है यहाँ पर अब काफी सारे आपके सेल्स लगे हुए होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, कॉलर सेल्स बोला जाता है, जिनको आप प्यार से कोएनोसाइट भी बोलते हो। तो यहाँ पर आपको कॉलर सेल्स भी देखने को मिलते हैं जिनको आप कोएनोसाइट भी बोल करके रिप्रेजेंट करते हो। कहने का ये मतलब है कि अलग अलग तरीके के सेल्स यहाँ पर हो गए, और एक जो सेल है वो एक तरीके का काम ही करता है, वो दूसरे के काम के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं करता। लेकिन जब ये सेल्स जो कि एक जैसे दिखाई देते हैं, यानी अगर इनका स्ट्रक्चर सेम है, जो ओरिजिन में सेम है, यानी वो सेम तरीके के मदर सेल से ओरिजिनेट हुए हैं, और ये एक जैसा ही काम करने के लिए एग्रीगेट हो जाए, तब जाकर ये बनाते हैं टिश्यू, जो कि हमारा मैटर ऑफ कंसर्न है, जो कि हमारा टॉपिक ऑफ इंपॉर्टेंस है। इसके ऊपर हमारा पूरा आज का चैप्टर, आज का पूरा लेक्चर बेस्ड। तो टिश्यूज कैसे बने, यहां पर जो अलग अलग सेल्स थे, समझ लीजिए सारे के सारे सेल्स आ गए, यहां पर ये झुंड आ गया चार पांच सेल्स का, राइट, ये सारे के सारे सेल्स आ गए। अब ये सेल्स कैसे हैं मेरे दोस्त, इस सेल्स के अंदर आपको क्या देखने को मिला, ये जो सेल्स है इनमें कॉमन ओरिजिन है, ये एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, यानी इनका कॉमन स्ट्रक्चर है, और ये आगे चल करके कॉमन फंक्शन ही प्रमोट करेंगे, कॉमन फंक्शन ही ये जो है पोर्ट्रे करेंगे, तब जाके आप इन्हें क्या कहेंगे, टिश्यू। और टिश्यू में सिर्फ ये सेल्स ही एग्रीगेट नहीं होते, इन सेल्स की एग्रीगेशन के साथ इनके इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस को भी कंसिडर किया जाता है, यानी इनके बीच में यहाँ जो मटीरियल है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, दिस पर्टिकुलर मटीरियल विच इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल, इसीलिए इसे बोला गया है इंटरसेलुलर, यानी इन सेल्स के बीच में ये जो माल पड़ा हुआ है, ये जो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, इसको भी आप टिश्यू में काउंट करते हो। तो इसे हम लिख देते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंस, और ये आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए सेल्स। तो ये सेल्स प्लस इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो है ये मिल करके क्या बनाते हैं, मिल करके आपका टिश्यू बनाते हैं। तो टिश्यू की डेफिनेशन क्या हुई, टिश्यू इज द एग्रीगेशन ऑफ सेल्स विच आर कॉमन इन स्ट्रक्चर ओरिजिन एंड डूइंग द सेम फंक्शन अलॉन्ग विद देयर इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ये इनकी डेफिनेशन होगी। अगर आप टिश्यू से हायर लेवल पे जाते हो, यानी आप टिश्यूज से अगर ऑर्गन बना लेते हो, तो क्या होगा, अलग अलग टिश्यूज आकर के एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको आपने ऑर्गन कह दिया, और वो ऑर्गन भी स्पेसिफाइड काम ही करेगा, यानी जो भी टिश्यूज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑर्गन को बनाने के लिए, वो एक ही फंक्शन की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। यानी कि अलग अलग टिश्यूज ने मिलकर लेट से एक ऑर्गन बना लिया आपका स्टमक, तो स्टमक का काम क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड, तो अलग अलग टिश्यूज ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, जो कनेक्टिव टिश्यू थे वो भी आए वहां पर, मस्कुलर टिश्यू थे वो भी अपनी स्मूथ मसल लेकर आए स्टमक के अंदर, जो एपिथेलियल टिश्यू थे उन्होंने भी अंदर की लाइनिंग बनाई स्टमक की, तो अलग अलग टिश्यूज इंटीग्रेटेड है स्टमक के अंदर, लेकिन स्टमक काम क्या कर रहा है, डाइजेशन ऑफ फूड उसका मेन काम है, तो फंक्शन वहां पर कॉमन हो गया, तो टिश्यू से ऑर्गन भी बन सकता है, और ऑर्गन से फर्दर बन सकता है ऑर्गन सिस्टम, जिन सबका काम कोऑर्डिनेटेड होगा, और कैसे कोऑर्डिनेटेड होगा, या तो ये फिजिकली जुड़े हुए होंगे, यानी ऑर्गन से जब ऑर्गन सिस्टम बनेगा तो या तो ये चीजें फिजिकली जुड़ी हुई होंगी, या फिर ये चीजें केमिकली जुड़ी हुई होंगी, यानी इनके बीच में फिजिकल इंटरेक्शन होगा, जैसे कि ईसोफेगस के जस्ट बाद आपका स्टमक स्टार्ट हो गया, तो फिजिकल इंटरेक्शन है, या फिर केमिकल इंटरेक्शन होगा, जैसे पेनक्रियाज अपनी सिक्रीशंस को, पेनक्रियाज अपने सारे केमिकल्स को ड्यूडोनम में स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे पहले वाले पार्ट में पोर कर देता है, तो कुछ केमिकल्स आ गए ना पेनक्रियाज से, तो पेनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन इंटीग्रेट हो गए, दैट्स व्हाई पेनक्रियाज इज अ पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि उसने अपने केमिकल्स जो हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल में डाल दिए।
तो यहाँ पर फिजिकल या केमिकल इंटरेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। इन दोनों में से कोई भी इंटरेक्शन हो तो आप कह सकते हैं कि ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम आपका सेम ही फंक्शन करता है। अब अगर मैं अपनी एलिमेंट्री कैनाल को कंसिडरेशन में ले लूँ, तो एलिमेंट्री कैनाल हो गई, स्टमक हो गया, पेनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, सारे के सारे क्या काम करते हैं? ये सारे के सारे एक ही काम करते हैं, दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, सारे के सारे एक ही काम करते हैं, ब्लड के फ्लो को मेंटेन करना, सर्कुलेशन करवाना, चीजों को ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना। जो भी आपके ऑर्गन्स हैं, जो भी एसेंशियल पार्ट्स हैं, जो भी एसेंशियल सेल्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो सारे के सारे आपका रेस्पिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ही अपना रोल अदा करेंगे। सो अल्टीमेटली जब एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है ऑर्गन्स की, तो वो भी एक सिमिलर फंक्शन की तरफ ही अपना हाथ बढ़ाते हैं। यहां पर आपको एक लाइन देखने को मिलेगी इन द वेरी इनिशियल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो कि एकदम बेसिक पार्ट है, उसमें कि एनिमल कैन बी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, जबकि मैंने यहां पर आपको लिखा दिया है कि ऑल एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर। तो दोनों में से एक ऑथर झूठ बोल रहा है, या तो एनिमल किंगडम के ऑथर से गलती हो गई है, या फिर एनिमल टिश्यूज के ऑथर से गलती हो गई। द मेन फैक्ट इज दोनों में से किसी से भी गलती नहीं हुई। अगर आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर को ठीक से पढ़ के यहां तक पहुंचे हैं, तो आपको यह बात पता होगी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, उनको उठा करके प्रोटिस्टा नाम की एक किंगडम में फेंक दिया गया था। तो इस प्रोटिस्टा के अंदर हमने कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स के नाम भी पढ़े थे। तो प्रोटिस्टा के अंदर आपके सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स चले गए थे, चाहे वो आपके फोटोसिंथेटिक हों, चाहे वो आपके फोटोसिंथेटिक ना हो। यानी कि चाहे कोई ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक हो, चाहे कोई ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रॉफिक हो, दैट डजंट मैटर, अगर वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है तो वो आपका प्रोटिस्टा के अंदर चला जाएगा। हमने यहां पर देखा था कि प्रोटिस्टा के अंदर क्लेमाइडोमोनास भी चला गया है, क्लोरेला भी चला गया है। लेकिन अगर आपको ध्यान हो, उसके जस्ट अगले चैप्टर में प्लांट किंगडम में हमने क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को दोबारा देखा। हमारी दोबारा जो है वार्तालाप हुई क्लेमाइडोमोनास से और क्लोरेला से, और वो भी एल्गी के अंदर। तो अगर ये प्रोटिस्टा के मेंबर है, तो ये एल्गी यानी कि प्लांट में क्या कर रहे हैं? दोनों ही ऑथर्स अपनी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है तो इन्हें प्लांट्स में प्लेस कर दिया गया था अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के अंदर। लेकिन आरएच विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जब आई, तो उन्हें उठा करके प्रोटिस्टा में फेंक दिया गया। तो जो प्लांट किंगडम का ऑथर है, उनके लिए एल्गी क्या है? फोटोसिंथेटिक प्लांट है। तो उसे क्लेमाइडोमोनास में प्रोटिस्टा नहीं दिखाई दिया, उसे एल्गी दिखाई दिया। सिमिलरली यहां पर जो प्रोटोजोआ होता है, विच इज इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा ओनली, यहां पर जो आपका प्रोटोजोआ होता है, नाउ ये प्रोटोजोआ जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटिस्टा अकॉर्डिंग टू चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लेकिन एक जूलॉजिस्ट को क्या दिखाई देता है प्रोटोजोआ में? एनिमल दिखाई देता है। तो उसने प्रोटोजोआ को इनिशियली एनिमल में ही इंक्लूड किया। अगर आप आगे चल के रिसर्च करते हैं, या फिर अगर आप जूलॉजी ऑनर्स करते हैं, तो बीएससी में आपको पढ़ाया जाएगा एनिमल किंगडम, और उस एनिमल किंगडम में आप पॉरीफेरा से भी पहले, यानी जो सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, इनसे भी पहले क्या पढ़ते हैं? प्रोटोजोआ पढ़ते हैं। तो एक जूलॉजिस्ट की नजर में प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा का मेंबर ना होकर के एनिमल का मेंबर है। और ये प्रोटोजोआ कैसे थे? ये प्रोटोजोआ आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे। इसीलिए आपका इस चैप्टर के अंदर, इसीलिए टिश्यू वाले चैप्टर के अंदर बोला गया है एनिमल्स कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। एक गलत बात इसमें यह है कि इन्होंने प्रोटोजोआ को एज अ कोर एनिमल कंसिडर कर लिया है। तो एग्जामिनेशन में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, और अगर ये क्वेश्चन आता भी है उठ करके, तो आपको प्रोटोजोआ दिया होगा केस के अंदर। अगर प्रोटोजोआ आपको केस में नहीं दिया गया, एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है, तो आप बेझिझक टाइप कर सकते हो, आप बेझिझक लिख सकते हो, मार्क कर सकते हो कि ऑल एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर विदाउट एनी एक्सेप्शन। क्योंकि सबसे जो सिंपल एनिमल्स होते हैं, दैट इज पॉरीफेरा, वो भी आपके मल्टीसेलुलर होते हैं। उनमें भी आपके अलग अलग सेल अपना अपना काम करते हैं, और उनमें भी बायफर्केशन ऑफ लेबर देखने को मिलती है। जबकि जो प्रोटोजोआ है, जो यूनिसेलुलर एनिमल कहलाते हैं अकॉर्डिंग टू सम जूलॉजिस्ट, इनमें एक ही सेल होता है, तो वो एक ही सेल जो है सारे के सारे काम करता है। वही सेल डाइजेशन भी करेगा, वही सेल सर्कुलेशन भी करेगा, वही सेल रेस्पिरेशन भी करेगा, वही सेल फूड को भी तोड़ेगा, वही निकालेगा, सारे के सारे काम आपका ये सिंगल सेल करता है। तो यहां पर आपको कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जब हम बैक्टीरिया को पढ़ रहे थे, उस टाइम पर हमने जाना था कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल था। वहां पर एक लाइन भी लिखी हुई थी, द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज सिंपल बट द मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इज वेरी 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 एडवांस।
वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स टर्म का इस्तेमाल किया गया था एनसीईआरटी में बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म के लिए, क्योंकि जो काम हम इतनी बड़ी बॉडी में करते हैं ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के साथ, वो सारे के सारे काम बैक्टीरिया एक सिंगल सेल के साथ करता है, तो उसके अंदर कितने सारे एंजाइम्स मौजूद होंगे वो आप अंदाजा लगा सकते हैं, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं जैसे कि प्रोटोजोआ वगैरह, ये अपना काम अच्छे तरीके से करेंगे, इनमें सिंगल सेल ही सारे काम करेगा। आगे अगर आप जाएंगे मल्टी सेलुलर एनिमल्स की तरफ जिनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि पॉरीफेरा, तो वहां पे अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स अलग अलग काम करेंगे। देन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यूज आपका एक काम स्टार्ट कर देंगे, देन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गन्स कोई पर्टिकुलर फंक्शन अदा करेंगे, एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपके ऑर्गन सिस्टम्स जो है यानी अलग अलग जो बायफर्केटेड ऑर्गन्स हैं वो अपना एक कॉम्बिनेटिव वर्क करेंगे एंड अल्टीमेटली दे विल डू अ फंक्शन विद एक्यूरेसी। तो जिस हिसाब से आपकी एडवांसमेंट बढ़ती जाती है, जिस हिसाब से आप पॉरीफेरा से कॉर्डेटा की तरफ चले जाते हैं, आपकी एडवांसमेंट्स इन कैरेक्टर्स भी देखने को मिलती है एंड अल्टीमेटली आपको बेहतर बेहतर फीचर्स टाइम के साथ एक्सप्लोर करने का मौका भी मिलता है, राइट। सो ये थी आपकी डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। यहां पर एक और डेफिनेशन दी हुई है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, यानी स्ट्रक्चर इनका सिमिलर होगा, ये बात यहां पर इन्होंने लिख दी है, स्ट्रक्चरली सिमिलर होंगे। यहां पर इनका स्पेसिफिक फंक्शन होगा, एक जैसा काम करेंगे, एज वेल एज इनका ओरिजन भी कॉमन होगा। तो आप लिख सकते हैं अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि स्ट्रक्चर, ओरिजन और फंक्शन में कॉमन होता है, SOF इनके अंदर कॉमन होता है। एज वेल एज यहां पर टिश्यू में सेल के साथ साथ क्या लिया था हमने, अलोंग विद, यानी सेल के साथ क्या होगा, इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी कंसिडर किया था, इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी कंसिडर किया। जैसे यहां पर जो ग्रीन इमेज है, ये मान लेते हैं कि हम एक टिश्यू आपको गिवन है, अगर ये टिश्यू है मेरे दोस्त तो इसके अंदर क्या है, इनके कोर में ये सेल प्रेजेंट है, यहां से यहां तक का जो है ये आपका सेल प्रेजेंट है, यहां से यहां तक का जो है ये सेल प्रेजेंट है। तो ये सेल तो मिलकर के टिश्यू बनाएंगे, ये तो एग्रीगेट हो ही रहा है, लेकिन इसके बीच का ये जो काला काला सा सब्सटेंस है ना, जो इनके बीच का इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है जिसको आप मैट्रिक्स भी बोल रहे हो, ये भी आपका कंट्रीब्यूट करेगा टू मेक द टिश्यू, टिश्यू के अंदर आप इसको भी काउंट करोगे, राइट, टिश्यू के अंदर आप इसे भी काउंट करोगे। टिश्यूज सारे के सारे एनिमल्स में सिर्फ चार कैटेगरीज में बायफर्केट किए जाते हैं। जो सबसे पहली कैटेगरी है इसे आप कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू, और एपिथेलियल टिश्यू जिसको आप प्यार से एपिथेलियम भी बोलते हैं, ये आपकी कवरिंग होती है। अब यह कवरिंग आपकी आउटर भी हो सकती है जिसको आप प्रोटेक्टिव कवरिंग कहते हैं, या फिर प्रोटेक्टिव बाउंड्री कहते हैं, या फिर यह कवरिंग आपकी इंटरनल भी हो सकती है जिसको आप इनर प्रोटेक्टिव कवरिंग, इनर प्रोटेक्टिव बाउंड्री, या फिर सबसे टेक्निकल टर्म जो हम यूज करते हैं लाइनिंग भी कह सकते हैं, ओके। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है यह आपकी कवरिंग प्रोवाइड करेगा, अगर आपकी बाहर की कवरिंग प्रोवाइड करता है देन इट इज गोइंग टू बी द बाउंड्री, और अगर ये आपकी इनर कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है चीजों के अंदर की तो इसे आप लाइनिंग बोलेंगे। समझ लीजिए आपके पास एक पाइप है, तो वो पाइप जो है उसको आपको अंदर से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, समझ लीजिए उस पाइप के अंदर से क्या है, तेजाब जा रहा है यानी एसिड जा रहा है, तो बात कर रहे हैं आप अपने स्टमक की। तो अगर आपका स्टमक है और उसके अंदर से एसिड जा रहा है तो आपको अपने स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना, तो उसके अंदर से आप एक कोट लगा देते हैं स्पेसिफिक सेल्स का, म्यूकस की एक अलग से लेयर बना देते हैं जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो किसी भी चीज के अंदर का जो पार्ट है ना, अंदर की कोर को जब आप प्रोटेक्ट करते हैं तो उसे आप लाइनिंग बोलते हैं, जबकि आपकी बॉडी के बाहर अगर कोई कोट प्रेजेंट है तो उसे आप एक्सटर्नल बाउंड्री बोलकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है ये आपकी आउटर और इनर बाउंड्री या लाइनिंग बनाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, जैसा कि नाम ही है कनेक्टिव, तो एक कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, दैट्स वाई दे आर मोस्ट अबंडेंट, क्योंकि आपका मस्कुलर टिश्यूज को भी कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे भी जो है ये सपोर्ट के तौर पर, कनेक्शन के तौर पर प्रेजेंट होते हैं। तो जहां जहां पर एपिथेलियम प्रेजेंट होगा उसके जस्ट नीचे कनेक्टिव टिश्यू तो होगा ही, और फ्रीली भी आपकी बॉडी में काफी सारे कनेक्टिव टिश्यूज आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि आपकी बॉडी के अंदर बहता रहता है जिसे आप ब्लड कहते हैं, तो ब्लड भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है। दैट्स वाई कनेक्टिव टिश्यूज आर मोस्ट अबंडेंट, क्योंकि जहां पर भी कनेक्शन का काम है, जहां पर भी टिश्यूज को लिंक करने का काम है, वहां पर आपका कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिल ही जाता है। अदर देन दैट द नेक्स्ट टिश्यू इज मस्कुलर टिश्यू, नाम ही है मस्कुलर, तो किससे रिलेटेड है, मसल से रिलेटेड है। मसल्स आपकी बॉडी में तीन तरीके की होती हैं, सबसे पहली जो मसल है उसे आप प्यार से कहते हैं स्केलेटल मसल, जो चीजें आप खुद मूव कर सकते हैं, दे आर वॉलेंट्री मसल, क्योंकि वो आपका कहना मान रही हैं और वो सारी की सारी स्केलेटल है विदाउट एनी डाउट। जैसे कि मेरा हाथ है,
अगर मैं इसे ऊपर नीचे फोल्ड कर पा रहा हूं, तो ये जो मेरी बाइसेप मसल है जो कि इस टाइम पे मूव हो रही है, दैट इज अ स्केलेटल मसल बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द स्केलेटल सिस्टम, और इसको मैं खुद कंट्रोल कर पा रहा हूं। अगर यहां पर इन मसल्स को मैं खुद कंट्रोल कर पा रहा हूं, देन दे आर स्केलेटल मसल्स बिकॉज दे आर वॉलंटरी इन नेचर, इन पे मेरा बस चल रहा है। सेकेंड टाइप ऑफ जो मसल है, इन्हें हम कहते हैं विसरल मसल्स, क्योंकि विसरल ऑर्गन्स यानी इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं, या फिर हम इन्हें कहते हैं स्मूथ मसल्स, क्योंकि इन पर हमारा कोई भी यू नो बेसिकली बस नहीं चलता। सो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज इनवॉलंटरी मसल्स। ये अपने हिसाब से अपना काम करते हैं। आपने फूड एक बार घटक लिया तो अब वो नीचे कहां पर जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, ये आपके बस में नहीं है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी आपके यहाँ पर पेट में या फिर आपके एलिमेंट्री कैनाल में जो पेरिस्टाइलिस मूवमेंट हो रही है, जो चर्निंग मूवमेंट हो रही है, जो कि फूड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में मूव कराती हैं, धक्का देती हैं, पुश करती हैं, वो आपके बस में नहीं। वो मसल्स अपना काम खुद करती हैं बेस्ड ऑन वैरायटी ऑफ सिग्नल्स जो कि उन्हें मिलते हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इनवॉलंटरी, क्योंकि आपका इन मसल्स पे कोई भी जोर नहीं चल रहा है, और ये स्मूथ ऑर्गन्स में प्रेजेंट रहती हैं, विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट रहती है, इसीलिए इन्हें विसरल मसल्स या फिर स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मसल इज कार्डियक मसल, जो कि आपके हार्ट में मौजूद होती है। सो जो भी साइंटिस्ट हार्ट की स्टडी करता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है, हार्ट की स्टडी को खुद कार्डियोलॉजी कहा जाता है। तो कार्डियो इज अ वर्ड विच इज रिलेटेड टू हार्ट, तो यहां पर अगर आपकी कार्डियक मसल्स आएंगी तो वो हार्ट से रिलेटेड होंगी, यानी ये स्पेसिफिक मसल्स आपके हार्ट में प्रेजेंट होंगी जो कि दिल को धड़कने में मदद करती है। और जब आप पैदा होते हैं तब से लेकर के जब आपकी मृत्यु होती है तब तक आपका हार्ट हमेशा ही धड़कता रहता है, कभी भी नहीं रुकता, कभी भी नहीं थकता। तो यहाँ पर जो है स्पेसिफाइड मसल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको कार्डियक मसल्स कहा जाता है। तो तीन तरीके की मसल्स आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। एज वेल एज जो चौथा टिश्यू है ये है आपका न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू को आप प्यार से नर्वस टिश्यू भी कह सकते हैं, और नर्वस टिश्यू में जो मेन सेल्स होते हैं उन्हें आप बोलते हैं न्यूरॉन्स। तो यहाँ पर आप न्यूरॉन्स के बारे में भी जानेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, डेंड्राइट्स क्या होते हैं, एक्सॉन क्या होती हैं, साइनेप्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आप जानेंगे, न्यूरोग्लिया के बारे में आप जानेंगे, किस हिसाब से सेल्स सेंस करते हैं अलग अलग सिग्नल्स को, वो भी आप देखेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द वेरी फर्स्ट टिश्यू, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू या फिर एपिथेलियम, और उसके बाद हम एक पर्टिकुलर सिक्वेंस में कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल टिश्यूज को भी पढ़ेंगे। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहां पर कह रहा हूं वो है एग्जाम्पल, दैट्स इट। इस चैप्टर में हर चीज जो है समझने की है, हर चीज कंसेप्चुअल है। एग्जाम्पल आपको एक बार याद करने पड़ेंगे, जब आप इन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर तो आपको सारे एग्जाम्पल ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इन्हें इसी चैप्टर में याद कर लेते हैं दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट डील फॉर यू गाइज, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी फिर आपको मक्खन की तरह समझ में आ जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है, एग्जाम्पल्स। Examples are very very important. यहाँ पर मैं जो है star mark भी कर देता हूँ। तो आपको हर चीज का example पढ़ना है कि epithelial tissue में जो simple epithelium है उसके कौन कौन से example हैं, जो complex epithelium है उसके कौन से examples हैं, and so on. Similarly connective tissues में भी कौन कौन से examples हैं और वो कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं और क्या क्या function करते हैं। तो example, location, कहाँ कहाँ पर मौजूद है, और function, काम क्या क्या कर रहे हैं। अगर ये चीजें आपने पढ़ ली तो यू आर डन फॉर दिस चैप्टर, दैट्स इट। समझाने की जो बातें हैं वो सारी समझा मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहला जो टिश्यू आता है दैट वी नीड टू टेक इनटू अकाउंट इज एपिथेलियल टिश्यू, जिसको आप प्यार से एपिथेलियम भी बोलते हैं। एपिथेलियम क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी की आउटर सरफेस को तैयार करता है एक लेयर के फॉर्म में। तो ये जो एपिथेलियम है ये वर्ड आपका एक लेयर को डिपिक्ट करता है। तो काफी बार जब ये आउटर बाउंड्री बनाते हैं ना तो इन्हें एपिथेलियम की लेयर बोला जाता है, राइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हेयर इज दैट इट हैज अ फ्री सरफेस। इसके साथ हमेशा कोई ना कोई फ्री सरफेस रहता है, या तो वो बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा या फिर आउटसाइड एनवायरनमेंट को। मैंने आपको दो बातें बताई, या तो आपका एपिथेलियम बिल्कुल आउटर बाउंड्री पे प्रेजेंट रहेगा, अगर मेरी स्किन है और इसके ऊपर एपिथेलियम प्रेजेंट है तो ये किसके सराउंडिंग, किसके मतलब की कॉन्टेक्ट में है, सराउंडिंग के कॉन्टेक्ट में है, एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, तो ये आउटसाइड एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में हो गया। अगर ये मेरी बॉडी की आउटर बाउंड्री बना रहा है तो, अगर ये मेरी बॉडी की आउटर बाउंड्री बना रहा है तो ये आउटसाइड एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में आ गया। लेकिन समझ लो ये मेरी एलिमेंट्री कैनाल की अंदर की लाइनिंग में प्रेजेंट है, यानी अब ये बाउंड्री ना बना करके इंटरनल लाइनिंग बना रहा है, तो मैं जो खाना खाऊंगा वो इस पाइप में से जाएगा, तो ये बॉडी फ्लूइड के कॉन्टेक्ट में आ गया ना, ये बॉडी फ्लूइड के कॉन्टेक्ट में आ गया। या फिर समझ लीजिए मेरी कोई ब्लड वेसल है,
कोई मेरी वेसल है जिसके अंदर से खून पास हो रहा है तो ये बॉडी फ्लूइड के यानी खून के कॉन्टेक्ट में आ गया, यानी हमेशा किसी ना किसी चीज के कॉन्टेक्ट में रहेगा। यहां पर अगर समझ लो मेरा एलिमेंट्री कैनाल है तो इसके अंदर से खाना भी जाएगा, इसके अंदर से पानी भी जाएगा, प्लस इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी जाएंगे, इसके अंदर मेरे सलाइवरी ग्लैंड जो सिक्रीट करेंगे वो भी जाएंगे। तो देर आर वैरायटी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स जो कि इसके अंदर जाते हैं। तो अगर ये अंदर वाली लाइनिंग बना रहा है तो ये हमेशा बॉडी फ्लूइड के कॉन्टेक्ट में रहेगा, और अगर ये मेरी बॉडी की आउटर बाउंड्री बना रहा है तो आउटसाइड एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में रहेगा, क्योंकि इसके दो ही काम थे, या तो ये कवरिंग करता है यानी आउटर बाउंड्री बनाता है, या ये लाइनिंग बनाता है यानी इंटरनल बाउंड्री बनाता है। तो अगर ये इंटरनल बाउंड्री बना रहा है तो बॉडी फ्लूइड के कॉन्टेक्ट में होगा, आउटर बाउंड्री बना रहा है तो डायरेक्ट एटमोस्फेयर के कॉन्टेक्ट में होगा। ये जो सेल्स हैं ये कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, यानी इनके बीच में इंटरसेलुलर मटीरियल काफी कम होता है, तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इनमें काफी कम होती है, दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो सेल है, आप गौर से देखिए, ये वाला जो सेल है, ये वाला सेल एकदम टाइटली पैक्ड है इस वाले सेल के साथ, बीच में कहीं भी कोई भी गैप नहीं है, और ये वाला सेल एकदम टाइटली पैक्ड है ऊपर वाले सेल के साथ, तो एकदम टाइटली पैक्ड है। तो यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसेस आपके क्या है, काफी कम है, एकदम आपको माइन्यूट इंटरसेलुलर स्पेस या फिर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स देखने को मिलती है। एपिथेलियल टिश्यू आपके दो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, सबसे पहले सिंपल एपिथेलियम जो कि आपकी सिंगल लेयर होती है, फिर इसको भी आप पर्टिकुलरली अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उन सेल्स की शेप क्या है, क्या ये क्यूबॉइडल है, क्या ये कॉलम लाइक है लंबे हैं, क्या ये बिल्कुल पतले हैं फ्लैट टाइल लाइक, उस हिसाब से आप इन्हें स्क्वैमस, क्यूबॉइडल या कॉलमनार में डिवाइड कर सकते हैं। अदर देन दैट जो कंपाउंड है यानी जो मल्टी लेयर्ड है, ये आपके काफी सारे लेयर में आपको देखने को मिल जाएंगे। डिफरेंस क्या है, जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, जो सिंगल लेयर्ड है, इनका काम क्या होगा, सिंगल लेयर का काम कभी प्रोटेक्शन का तो हो नहीं सकता, इनके दो मेजर काम रहते हैं। पहला आपका एक्सचेंज, यानी समझ लो कोई पर्टिकुलर ब्लड वेसल है जिसको न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज करने हैं, जिसको गैसेस एक्सचेंज करनी है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका ये थिन एक्सचेंज मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं, थिन वस्कुलर मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं, तो चीजों के आदान प्रदान यानी एक्सचेंज में अपना रोल अदा करेंगे। इसके साथ साथ ये सिक्रीशन भी करते हैं, ये चीजों को बाहर भी भेज सकते हैं, तो ये सिक्रीशन में भी काम आए। यानी मेन जो सिंगल लेयर्ड एपिथेलियम के काम है वो है एक्सचेंज और सिक्रीशन, जबकि जो कंपाउंड है यानी जो मल्टी लेयर्ड है, अब इसमें मल्टीपल लेयर्स हैं तो जाहिर सी बात है इसका काम क्या होगा, इसका काम हो जाएगा प्रोटेक्शन, ये आपका प्रोटेक्टिव होगा, ये आपका सेफ साइड प्रोवाइड करेगा काफी सारे टिश्यूज को। तो जो सिंगल लेयर्ड एपिथेलियम है इसको हम फर्दर काफी सारे टाइप्स में बाइफर्केट कर सकते हैं। तो यूजुअली जो सिंपल एपिथेलियम होती है ये सिंगल लेयर्ड होती है, इसीलिए इसे सिंपल बोला गया। अब ये क्या करती है, जो सिंगल लेयर्ड एपिथेलियम होती है ये बॉडी कैविटीज को, यानी अंदर जो बॉडी के पार्ट है उनकी जो कैविटीज है इनको लाइन करती है, जो अंदर डक्ट्स हैं जिनके थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स आर सिक्रेटेड। देखो दो तरीके के आपके ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स दो तरीके के, एक आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा आपका एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड आपके अलग अलग तरीके की चीजें बना सकते हैं, जैसे मिल्क हो गया, एंजाइम हो गए, ये सारी चीजें जो है ये डक्ट्स के थ्रू बाहर जाती है, ये आपकी डक्ट्स के थ्रू बाहर जाती है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये आपकी क्या बनाती है, ये आपका हॉर्मोन्स बनाती है, और ये हॉर्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर दिए जाते हैं। तो अगर हॉर्मोन्स डायरेक्टली ब्लड के अंदर पोर कर दिए गए हैं तो वो ब्लड वेसल के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, इनको स्पेसिफिक डक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहां पर अगर आपने कैविटीज के बाद डक्ट शब्द का इस्तेमाल कर दिया है तो साफ साफ सी बात है कि आपने एक्सोक्राइन ग्लैंड की ही चर्चा की है, एंडोक्राइन इनके पार्ट्स नहीं होते। एज वेल एज आपकी बॉडी के अंदर जो ट्यूब्स हैं, जैसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गई आपके नेफ्रॉन के अंदर, आपकी अलग अलग डाइजेस्टिव ट्यूब्स हो गई, इन सारी ट्यूब्स के अंदर भी सिंगल लेयर्ड सेल की लेयर आपको अंदर की साइड देखने को मिल जाएगी। क्योंकि देखो यार, ब्लड वेसल पहले ही इतनी पतली होती है, उसका काम एक्सचेंज का है, ओके? तो एक्सचेंज में आप मोटी सी लेयर तो उसके ऊपर लाके लगा नहीं दोगे मल्टीपल सेल्स की, आपको पतले पतले सेल्स की लेयर चाहिए जिससे कि वो एक्सचेंज पर्पस अपना ठीक तरीके से कर पाए। आपको तो उसके फंक्शन को फुलफिल करवाना है ना, आपको उसके फंक्शन में बाधा नहीं बनना है। अगर आपको एक ऐसा पतली से सेल की लेयर चाहिए जो कि अपने आर पार चीजों को ले जा सके, तो उसमें आप मोटे मोटे काफी सारे सेल्स नहीं लगाओगे। तो यहां पर इसीलिए कैविटीज और डक्ट्स जो होती है, ट्यूब्स जो होती है, इनके अंदर आपको सिंपल एपिथेलियम देखने को मिलती है।
बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, यानी स्ट्रक्चर जब मॉडिफाई हो जाता है इस सिंपल एपिथेलियम का, तो ये अलग अलग टाइप की लेयर्स बना लेती है। सबसे पहली जो लेयर है इसे आप कहते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम मतलब फ्लैट सेल्स यहां पर होंगे एकदम टाइल जैसे। तो ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम होती है इसे पेवमेंट एपिथेलियम भी कहा जाता है। पेवमेंट का मतलब क्या होता है? पेवमेंट का मतलब होता है टाइल्स। पेवमेंट का मतलब होता है टाइल्स। तो जिस प्रकार से आपके फर्श के ऊपर टाइल लगी रहती है, टाइल की मोटाई बहुत पतली होती है लेकिन उनका जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा रहता है। तो सिमिलरली यहां पर आप देखेंगे कि ये जो सेल्स हैं इनकी मोटाई बहुत कम है, यानी बहुत पतले सेल हैं, एक्सचेंज के लिए एकदम अप्रोप्रिएट हैं, लेकिन इनका सरफेस जो है इनकी मोटाई के हिसाब से काफी ज्यादा है। देखिए, तो इन्हें आप पेवमेंट एपिथेलियम या फिर स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। है ये सिंपल ही, यानी सिंगल लेयर ही होगा, लेकिन इनकी शेप कैसी है? पतली है, टाइल लाइक। दूसरा, यहां पर जो शेप है आप देख रहे हैं, यहां पर आपका इस प्रकार की शेप बनी, यहां पर आगे इस प्रकार की पेंटागोनल शेप बनी, यहां पर आपकी राउंड सी शेप बनी, यहां पर आपकी काफी सारी साइड्स देखने को मिल रही हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम के सेल्स हैं ये इररेगुलर होते हैं। इररेगुलर सेल्स आपको देखने को मिले, कोई रेगुलर बाउंड्री नहीं है इनकी, अलग अलग शेप्स के आपको ये देखने को मिल सकते हैं। और यहां पर इन सेल्स के सेंटर के आसपास आपको न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा। तो दीज आर न्यूक्लिएटेड सेल्स, राइट? दीज आर न्यूक्लिएटेड सेल्स। तो ये आपको न्यूक्लियस भी देखने को मिला। दिस इज स्क्वैमस एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, अब नाम क्या है? क्यूबॉइड। ओके, तो यहां पर जो है क्यूबॉइडल सेल्स आपको देखने को मिलेंगे, क्यूब लाइक सेल्स आपको देखने को मिलेंगे, यहां इस प्रकार के ये सेल्स आपको देखने को मिले। और इनके सेंटर पे क्या होता है? इनके सेंटर पे आपका न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर सेंट्रल न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों साइड जो है आपकी नियरली बराबर रहती हैं, तो सेंट्रलाइज्ड न्यूक्लियस आपको यहाँ पर देखने को मिला। थर्ड जो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम है, ये आपका कॉलमनार एपिथेलियम है। अब नाम क्या है? कॉलमनार। तो यहाँ पर कॉलम लाइक सेल्स मिलेंगे। ओके, तो कॉलम कैसा होता है? पतला और लंबा होता है। तो यहाँ पर कॉलम लाइक आपको सेल्स देखने को मिले जो पतले और लंबे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको कॉलमनार सेल्स में नोट करनी है वो ये है कि कॉलमनार सेल्स लंबे होते हैं तो इनके सेंटर पर न्यूक्लियस कभी भी प्रेजेंट नहीं हो सकता। न्यूक्लियस आपका हमेशा बेस पे प्रेजेंट होता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपका जो लोअर एंड है ना, ये वाली जो आपकी लोअर साइड है, यहां पर आपको बेसल न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो न्यूक्लियस इज बेसल ओवर हियर। ओके, यानी आपका बेस पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। ये तीन अलग अलग टाइप के सेल्स हैं या फिर तीन अलग अलग टाइप के टिश्यूज हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं सिंपल एपिथेलियम। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इनका फंक्शन क्या है, ये हमें नोट करना है, एज वेल एज हमें इनकी मॉडिफिकेशंस भी नोट करनी है। काफी बार ये मॉडिफाई हो जाते हैं। क्यूबॉइडल और कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स मॉडिफाई होकर काफी बार सिलिएटेड एपिथेलियम भी बना लेते हैं, यानी अपने ऊपर सिलिया जो है वो लगा लेते हैं। इसके साथ साथ ये ग्लैंड्स का भी काम कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था सिक्रेटिव हो सकते हैं। तो ये एक्सचेंज के साथ जब सिक्रेटिव होंगे तो अलग अलग चीजें भी सिक्रेट कर सकते हैं, जैसे जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होंगे ये भी सिक्रीशन करते हैं लेकिन एंजाइम्स की, मिल्क की। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये भी सिक्रीशन करते हैं लेकिन हॉर्मोन्स की। तो ये क्या क्या सिक्रीट करेंगे ये भी हमें नोट करना है, राइट? चलिए, तो सिंपल एपिथेलियम में सबसे पहला जो है वो है आपका पेवमेंट एपिथेलियम या फिर स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस क्या है? टाइल लाइक सेल्स। यहां पर आप देखेंगे जो सेल्स हैं ये आपकी टाइल लाइक है। जिस प्रकार से टाइल आपकी पतली और चौड़ी होती है, उसी हिसाब के सेल्स आपको यहां पर देखने को मिले। इनकी थिकनेस देखो कितनी कम है, इनकी थिकनेस इतनी कम है लेकिन इनका एरिया जो है ये काफी ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है, राइट? तो ये मिल करके काफी लंबा एरिया तैयार कर लेते हैं। शेप इनकी कैसी है? इररेगुलर है, जो कि मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर कोई रेगुलर शेप नहीं है, अलग अलग शेप और साइजेस के आपको सेल्स देखने को मिलते हैं। हाँ, पतले हैं ये बात कन्फर्म है। सो ये थिन लेयर होती है फ्लैटेंड सेल्स की, यानी सेल जो है फ्लैट है टाइल जैसे, इसीलिए इन्हें पेवमेंट एपिथेलियम या फिर टाइल लाइक एपिथेलियम बोला गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर इररेगुलर बाउंड्रीज हैं, कोई रेगुलर स्ट्रक्चर यहां पर देखने को आपको नहीं मिला। दे आर फाउंड इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लंग एल्वियोलाई। दो जगह आपको देखने को मिला, पहला वॉल ऑफ ब्लड वेसल, दूसरा लंग ऑफ एल्वियोलाई। ओके, सॉरी, एल्वियोलाई ऑफ लंग। तो यहां पर वॉल ऑफ ब्लड वेसल में ये क्यों देखने को मिला? क्योंकि जो ब्लड वेसल है उसके अंदर से क्या फ्लो करेगा? ब्लड। अगर ब्लड आपका ब्लड वेसल के अंदर से फ्लो कर रहा है तो एक जगह से दूसरी जगह पर किसी सामान को लेकर के जाएगा और आपको उस सामान को फर्दर अनलोड करना पड़ता है। ज्यादातर चीजें आपकी ब्लड के थ्रू ही ट्रेवल करती हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स और सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी गैसेस। तो आपके जो ऑर्गन्स हैं, जहां पर
सारे दिन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहती है, वहां पर काफी सारा कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाता है। तो यहाँ पर हम एक ऑर्गन बना लेते हैं, ये जो ऑर्गन है यहाँ पर काम कर करके सारे दिन कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो गया, और ये जो ब्लड है ये आपका लंग से प्योरिफाइड एयर लेकर के आ रहा है। ओके, तो ये जो ब्लड है ये अपने साथ क्या लेकर आ रहा है, ऑक्सीजन। अब देखो डिफ्यूजन का फेनोमेना क्या कहता है कि एक पर्टिकुलर गैस की जहां पर हायर कंसंट्रेशन है वहां से वो फ्लो करती है टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। तो यहां पर आपका CO2 ज्यादा है तो मैं कह सकता हूं ऑक्सीजन कम है, यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है बिकॉज इट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, साफ ब्लड है, तो यहां पर CO2 कम है। तो यहां पर डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये हो जाएगी कि CO2 यानी गंदा जो आपका मटेरियल है ये ब्लड में आ जाएगा और ऑक्सीजन जो था ये आपके ऑर्गन्स तक पहुंच जाएगा। तो ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किसने किया, ब्लड ने, और किसके थ्रू किया, एक्सचेंज के थ्रू। यहां पर एक्सचेंज हुआ ना जो मैंने ब्लैक एरो से दिखाया है, तो इस एक्सचेंज को करने के लिए आपको पतली सी सेल की लेयर चाहिए और उसके लिए सबसे बेस्ट चॉइस क्या है, पेवमेंट एपिथेलियम यानी आपकी स्क्वैमस एपिथेलियम। और जो CO2 अब आपका गया है ब्लड के अंदर, ये ब्लड आगे जाकर के क्या करेगा, एल्वियोलाई के आसपास आपका CO2 दे देगा। वो CO2 जैसे एल्वियोलाई में आएगी वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगी, आपके लंग्स से बाहर फेंक दी जाएगी। तो CO2 आपने ऑर्गन से उठाई और अपनी बॉडी से बाहर फेंक दी, और जो ऑक्सीजन आपने सांस के साथ ली थी वो आपने ऑर्गन तक पहुंचा दी। तो दोनों के दोनों काम हुए किसकी वजह से, आपके एल्वियोलाई में जो गैसेस एक्सचेंज हुआ CO2 और O2 का, और आपके ब्लड में जो एक्सचेंज हुआ CO2 और O2 का। इसीलिए लंग के एल्वियोलाई और आपके ब्लड वेसल दोनों के अंदर क्या मौजूद है, स्क्वैमस एपिथेलियम मौजूद है। फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन की डिफ्यूजन बाउंड्री का काम करती है। डिफ्यूजन बाउंड्री मतलब ये डिफ्यूजन करवाएगी, ये चीजों का एक्सचेंज करवाएगी जो कि इसका मेन पर्पस है। तभी इसका पतला होना जरूरी था, तभी इसका टाइल लाइक होना जरूरी था। दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिफ्यूजन पर्पस। यहां पे अगर आप देखेंगे तो देखो आपने जो सांस ली, आपने जो ब्रीदिंग करी वो ऑक्सीजन अंदर आया और आपका यहां से इस एल्वियोलाई की वॉल से डिफ्यूज होते हुए, इस पतले से सेल लेयर से डिफ्यूज होते हुए कहां चला गया, आपके ब्लड में चला गया। तो आपका ब्लड अब इसे ऑर्गन तक लेके जाएगा और आपकी गंदी CO2 जो कि ब्लड में लोड कर दी गई थी वो गंदा CO2 यहां पर आया, ब्लड से आपका इस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए एल्वियोलाई में आ गया और इस CO2 को आपने बाहर फेंक दिया एक्सपीरेशन के थ्रू, यानी आपने जब सांस बाहर छोड़ी तो CO2 आपकी बॉडी से बाहर चला गया। तो डिफ्यूजन बाउंड्री जो बनी है, ये जो आपकी बाउंड्री बनी है एल्वियोलाई की और ये जो आपकी बाउंड्री बनी है इस ब्लड वेसल की, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपकी स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई है। एग्जांपल्स आपको सीधे सीधे याद हो गए होंगे, इसमें एग्जांपल याद करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पर भी आपको एक्सचेंज देखने को मिले पतली लेयर्स का, वहां पर आप आसानी से ही स्क्वैमस एपिथेलियम मार्क कर सकते हैं विदाउट अ डाउट। तो कहां कहां गैसेस एक्सचेंज होता है, ऑर्गन और ब्लड के बीच, तो ब्लड वेसल में मिल जाएगी, एज वेल एज आपका एल्वियोलाई और ब्लड वेसल के बीच, तो एल्वियोलाई में भी आपको मिल जाएगी, राइट। चलिए दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जिसे आप क्यूबिकल एपिथेलियम भी बोलते हैं, नाम ही क्यूबॉइडल है। तो यहां पर आपके एक जैसे सेल्स देखने को मिलेंगे जिनकी क्यूब लाइक अपीयरेंस होगी, ओके। इन्हें क्यूबॉइडल बोल रखा है, लेकिन मैथमेटिक्स में क्यूबॉइड किसे कहा जाता है, जिसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा हो, ब्रेथ थोड़ी कम, रेक्टेंगुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका 3D में, उसे आप क्यूबॉइड बोलते हैं। जो बराबर स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी लेंथ ब्रेथ इक्वल है उसे क्यूब बोला जाता है, लेकिन यहां पर जो आपके लंबे सेल्स है ना, पतले और लंबे जो क्यूबॉइडल दिखते हैं उन्हें कॉलमनार बोल दिया गया, इसीलिए यहां पर क्यूबॉइडल नाम का इस्तेमाल किया गया है। क्यूबिकल सेल आप इन्हें बोलें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ओके। तो क्यूबिकल सेल इन्हें इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी एक्चुअल शेप क्यूबॉइड ना होकर के क्यूब जैसी है, यानी इनकी लेंथ और ब्रेथ एक जैसी होती है, ये यूनिफॉर्म सेल्स आपको देखने को मिलते हैं इस हिसाब से ऊंचाई और लंबाई में, और इनके सेंटर पे जो है आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है, सेंट्रल न्यूक्लियस आपको यहां पर देखने को मिल जा रहा है। तो यहां पर क्या है, दे आर कंपोज ऑफ क्यूब लाइक सेल, जो कि इसके नाम से ही साफ साफ है। कहां मिलेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। पहली बात ये मिलेगा डक्ट ऑफ ग्लैंड के अंदर, यानी काफी सारे जो ग्लैंड है उनकी डक्ट में, यानी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो अलग अलग मटेरियल्स को सिंथेसाइज करते हैं, उन्हें अपने सिंथेसाइज मटेरियल को कहीं पर भेजना भी तो पड़ेगा ना, तो किसके थ्रू भेजेंगे, डक्ट्स के थ्रू। उन डक्ट्स की लाइनिंग कौन बनाएगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और यहां पर ये मिलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में, यानी ये जो नेफ्रॉन है मेरे दोस्त, ये आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है, ये आपका लूप ऑफ हेनले है, फिर ये आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है। तो एक क्वेश्चन आपका नीट में पूछा भी जा चुका है, ये जो PCT है ना, ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है,
ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है इसकी लाइनिंग में आपको माइक्रोविलाय कंटेनिंग सेल्स भी देखने को मिलते हैं, विच आर क्यूबॉइडल इन नेचर या फिर क्यूबिकल इन नेचर, राइट। तो जो आपके पीसीटी हैं, एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, इस पे आपको माइक्रोविलाय देखने को मिलते हैं जो कि आपके क्यूबॉइडल सेल की लाइनिंग कंटेन करते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी में दो जगह मेंशन है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा खास हो जाता है। फंक्शन क्या है इसका, ये भी सिंगल सेलुलर ही है, तो फंक्शन इसका क्या है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। देखो यार, अगर बहुत पतला होता तो एक्सचेंज का काम होता, यहां पर सिक्रीशन क्योंकि डक्ट से रिलेटेड है, डक्ट ऑफ ग्लैंड का काम क्या रहता है, सिक्रीट करना, तो सिक्रीशन तो ये हो गया। और यहां पर पीसीटी यानी कि आपका, अगर आप एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करोगे तो चीजें आपकी रीअब्सॉर्ब भी होती हैं, आप सब कुछ यूरिन में नहीं बहा देते, आप काफी सारे सॉल्ट को रीअब्सॉर्ब भी करते हो, काफी सारे वाटर को रीअब्सॉर्ब भी करते हो, तो वो जो रीअब्सॉर्प्शन वाला काम है वो आप एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ोगे काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर। यहां पर आप देखोगे मेरे दोस्त कि ये जो एब्जॉर्प्शन का काम है ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है, यानी कि आपका नेफ्रॉन से रिलेटेड है, इसीलिए नेफ्रॉन के अंदर भी देखने को मिले आपके क्यूबिकल एपिथेलियम टाइप ऑफ टिश्यूज। तो दो हमने यहां पर फंक्शन पढ़े और दोनों जस्टिफाई हो गए इनके एग्जांपल से। पहला काम है सिक्रीशन, सिक्रीशन कहां पर कराएंगे, आपके डक्ट के थ्रू कराएंगे, तो जो डक्ट ऑफ ग्लैंड्स हैं उनमें प्रेजेंट होंगे अंदर की साइड। और दूसरा काम है इनका एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कहां कराएंगे, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम में रीअब्जॉर्प्शन की बात हो रही है, तो आपके नेफ्रॉन का डायग्राम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम पर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज माइक्रोविलाय कंटेन करने वाले क्यूबिकल सेल कहां मिलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलूटेड ट्यूब्यूल ऑफ अ नेफ्रॉन। इसके स्ट्रक्चर के बारे में आप डिटेल स्टडी करते हो आपके 19th चैप्टर के अंदर। थर्ड टाइप ऑफ जो सेल है सिंपल एपिथेलियम के अंदर वो है कॉलमनार। नाम ही है कॉलम, तो ये पतले और लंबे सेल्स होंगे, पतले और लंबे सेल्स होंगे। ज्यादातर जो इनके सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस आपका बेजल होता है, तो ये टॉल और स्लेंडर सेल है, यानी पतले और लंबे सेल हैं। ओके, तो स्लेंडर क्या है आपके, पतले हो जाएंगे। यहां पर देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस, यहां पर अगर आप एक सेंटर पे लाइन खींचे तो आपको ज्यादातर का न्यूक्लियस कहां देखने को मिलेगा, बेजल लेवल पर ही देखने को मिलेगा, ज्यादातर पार्ट इनका आपको बेस पर ही देखने को मिलेगा, तो बेजल न्यूक्लियस इनमें होता है। फ्री सरफेस मे हैव माइक्रोविलाय, यानी जरूरी नहीं है कि इनके ऊपर आपका माइक्रोविलाय प्रेजेंट हो ही इनका एब्जॉर्प्टिव सरफेस बढ़ाने के लिए, दैट इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग, लेकिन हाँ माइक्रोविलाय प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि पीसीटी में आपका प्रेजेंट था माइक्रोविलाय आपका क्यूबिकल के केस में, वैसे यहां पर भी माइक्रोविलाय देखने को मिल सकती है। पाए कहां जाते हैं, लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। अब ये थोड़े लंबे से सेल है तो लाइनिंग करेंगे आपका स्टमक में और इंटेस्टाइन में, और काम क्या है वहां पर, सिक्रीशन का और एब्जॉर्प्शन का, क्योंकि स्टमक और इंटेस्टाइन क्या करते हैं, इंटेस्टाइन के जो सेल्स हैं ये भी काफी सारी चीजें बनाते हैं, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाते हैं। एब्जॉर्प्शन का काम, क्योंकि ज्यादातर एब्जॉर्प्शन फूड की कहां होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही तो होती है, तो स्टमक और इंटेस्टाइन आपका सिक्रीशन करते हैं, बिकॉज ये काफी सारे एंजाइम्स बनाते हैं प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए, एज वेल एज फैट को डाइजेस्ट करने के लिए। उनको फाइनल प्रोडक्ट में तोड़ने का जो काम है वो आपके इंटेस्टाइन के एंजाइम्स का है, जो कि आपके इंटेस्टाइन के एंजाइम्स करेंगे, यानी सिक्रेटरी पर्पस इन कॉलमनार सेल्स का हो जाएगा, एज वेल एज जो स्टमक है वहां पर भी ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम शो कर सकते हैं। तो काम आपके बेसिक तीन थे, आपका मेन जो काम था एक्सचेंज वो स्क्वैमस करता है, और सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करते हैं क्यूबिकल और कॉलमनार, ये एक जैसे होते हैं, इनकी बस मोटाई और लंबाई में फर्क है। एक जो था वो आपका सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन कहां करा रहा था, सिक्रीशन कराएगा तो किसके साथ एसोसिएटेड होगा, ग्लैंड की डक्ट के साथ, तो वहां प्रेजेंट था। एब्जॉर्प्शन करा रहा था कहां पर, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, तो पीसीटी के साथ एसोसिएटेड था, यानी कि आपके नेफ्रॉन के साथ। यहां पर आपका सिक्रीशन कहां पर कराएगा और एब्जॉर्प्शन कहां पर कराएगा, स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर। सीधे सीधे एग्जांपल्स हैं, सीधा आपको यही याद करना है। अब मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनार और क्यूबिकल। स्क्वैमस आपका पतला सा है, मस्त है, मनमौजी है, सिंपल तरीके से पड़ा रहता है, लेकिन जो क्यूबिकल और कॉलमनार है इनके ऊपर आपने देखा माइक्रोविलाय भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में माइक्रोविलाय आपने देखे, और लास्ट स्लाइड में आपने देखा कि ये माइक्रोविलाय जो है ये यहां पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं आपके कॉलमनार के अंदर भी, यानी ये मॉडिफिकेशन शो कर सकते हैं। इन दोनों के अंदर सिलिया भी प्रेजेंट हो सकते हैं इनके सरफेस के ऊपर, तो इनका जो अपर सरफेस है, जो फ्री सरफेस है जो कि कनेक्टेड होगा एक ट्यूब के साथ, वो जो फ्री सरफेस बोला है उस पे सिलिया होगा। मेरी बात को गौर से सुनना, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो यूजुअली बच्चे नहीं पढ़ते, फ्री
सरफेस। फ्री सरफेस का मतलब क्या है, ये एक ट्यूब है, ये ट्यूब का एक वॉल है, ये ट्यूब का दूसरा वॉल है। अगर मेरे सेल की लेयर यहां पर लगी हुई है तो सेल की लेयर समझ लो ऐसे है, ये एंड का पेन भूल जाओ अभी कि दुनिया में ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है, इसे भूल जाओ। यहां से सेल अटैच है तो इट इज नॉट फ्री, ये तो मुंह इसका चिपका हुआ है मेरी वॉल के साथ, ये वाला जो एंड है ना ये फ्री है। तो इसी प्रकार का एक एंड यहां पर भी लगा रहेगा, इसी प्रकार का एक एंड यहां पर भी लगा है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाले जो है ना, ये फ्री एंड है, इन पे सिलिया ऐसे रहेंगे अंदर की साइड। ये अगर मेरी ट्यूब है, इस पे अंदर की साइड सिलिया लगे रहेंगे, लहराते रहेंगे, एक पर्टिकुलर सामान जो आ रहा है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेजने का काम कौन करता है, सिलिया। सो दैट्स व्हाई सिलिएटेड एपिथेलियम इज इंपॉर्टेंट। इसके एग्जांपल भी आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको लॉजिक बता दूंगा उनके पीछे का। जब आप लॉजिक समझ जाते हो तो याद करने वाली प्रॉब्लम जो है हल हो जाती है। ये कहां प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस। अब बात समझ में आई गई होगी, अगर ये ट्यूब है तो उसके इनर सरफेस जो फ्री सरफेस है वहीं तो प्रेजेंट होंगे। इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन, खाली ऑर्गन्स के अंदर जिससे कोई सामान जा रहा हो, तभी तो सिलिया का काम है। सिलिया का काम क्या होता है, सिलिया का काम होता है कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कराना, यानी एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना बाय फ्लैटरिंग लाइक दिस। तो अगर सिलिया एक चीज को दूसरी जगह लेकर जा रहा है तो खाली बीच में गैप तो चाहिए जिसके थ्रू आपका ट्रांसपोर्ट होगा। तो यहां पर हॉलो ऑर्गन्स जो है इनमें सिलिए आपको देखने को मिलता है, यानी सिलिएटेड एपिथेलियम देखने को मिलता है। तो पहला ऑर्गन है आपका ब्रोंकियोल्स और दूसरा ऑर्गन है आपका फेलोपियन ट्यूब्स। ओके, यहां पर इन दोनों के अंदर आपको सिलिएटेड एपिथेलियम या सिलिया देखने को मिल जाता है। ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स में क्यों प्रेजेंट होता है, कोई पर्टिकुलर आपके नाक के अंदर जो गैस आपने इनहेल करी उसके साथ कोई पैथोजन आ गया, अब उस पैथोजन को आपको क्या करना है, बाहर भेजना है। सो दैट्स व्हाई आपके नाक में जो है बाल भी होते हैं, हेयर्स भी होते हैं, क्यों, क्योंकि ये डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। अगर समझ लो पैथोजन थोड़ा अंदर भी चला गया तो आपकी जो लाइनिंग होती है ना उसके जो सिलिया है वो उस डस्ट पार्टिकल को म्यूकस के साथ कोट कर देते हैं, और म्यूकस के साथ कोट करके उसे धीरे धीरे ऊपर लाते रहते हैं। ओके, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है, ऊपर की साइड आ गया यहाँ पर डस्ट पार्टिकल या फिर पैथोजन, और जैसे ही आप छींक मारेंगे यहाँ पर जब पार्टिकल आ जाता है ना कोई, तो ये आपकी नेजल लाइनिंग में इरिटेशन कॉज करता है, और जब नाक में इरिटेशन होती है तो आपको जोर की छींक आ जाती है, और जब आपको जोर की छींक आती है तो आप नेजल ड्रॉपलेट्स के साथ उस पैथोजन को भी, उस म्यूकस कोटेड पैथोजन को भी अपनी बॉडी से बाहर फेंक देते हैं। तो ये जो ब्रोंकियोल्स वाला सिस्टम है ये किससे रिलेटेड है, ये आपकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, ये आपकी इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड हो गया काइंड ऑफ, कि आपकी बॉडी में एक बैरियर है जो पैथोजन को अंदर नहीं आने देता। अगर पैथोजन अंदर आ भी गया है तो म्यूकस से उसे कोट कर देगा, एक गोला बना करके बाहर फेंक देगा और बाहर छींक के साथ आपका पैथोजन चला जाएगा। दूसरा है आपका फेलोपियन ट्यूब। देखो यार, स्पर्म होता है छोटा और स्पर्म होता है एक्टिवली मोटाई, उसके पास एक टेल होती है और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, वो इस हिसाब से चल सकता है और बहुत ही बढ़िया तरीके से फीमेल की बॉडी के अंदर भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, बिकॉज इट कैन स्विम। हम लोग इनफैक्ट स्पर्म के लिए स्विम वर्ड का बार बार इस्तेमाल करते हैं। फीमेल का जो लेकिन गैमेट होता है दोस्तों, ये स्टैटिक रहता है, इट इज नॉन मोटाइल, इसके पास कोई फ्लैजेला वगैरह नहीं है। तो ये आपका किस प्रकार से मूव करता है, यहां पर ये जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर आपका एग बना, इसके अंदर आपका ओवम बना। अब ये ओवम जो है इस इन्फंडिबुलम से होता हुआ यहां पर जाएगा ना, यहां पर आपकी फर्टिलाइजेशन होगी। तो ये एग यहां से लेकर के यहां तक कैसे पहुंचा, यहां से यहां तक को पहुंचाने का जो काम है वो क्या है, किसका है, सिलिया ऑफ फेलोपियन ट्यूब का, राइट। यानी एक बार एग को कैच कर लिया गया, और एक बार एग को कैच करने के बाद फेलोपियन ट्यूब की जो सिलिया है वो उसे कोऑर्डिनेटेडली मूव करते हुए ले जाती हैं एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी एम्पुला इस्थमिक जंक्शन के पास, जो कि आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिटेल में पढ़ते हो। इस रीजन तक आपको बेसिकली लाना होता है एग को, और स्पर्म तो तैर करके यहां पर आ ही जाएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो यहां पर आपके कॉलमनार सेल्स दिखाए हुए हैं, देखो यार यहां पर सेंटर पे लाइन बना दो एक, ज्यादातर जो न्यूक्लियस है वो आपके बेस पे है। यहाँ पर देखो ज्यादातर पार्ट आपका नीचे है, पूरा न्यूक्लियस नीचे है, ज्यादातर पार्ट नीचे है, पूरा न्यूक्लियस नीचे है। तो बेसल न्यूक्लियस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ये कॉलमनार सेल्स हैं जो कि टॉल और स्लेंडर टाइप ऑफ सेल्स कहलाते हैं। इनके ऊपर आपको सिलिया भी देखने को मिल सकते हैं। और ये सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ मिलेगी आपको देखने के लिए, पहला आपको ब्रोंकियोल्स में देखने को मिलेगी, दूसरा फेलोपियन ट्यूब में, क्योंकि एक आपके डस्ट पार्टिकल्स और पैथोजन को आपकी बॉडी के बाहर फेंकेगा कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से, और दूसरा आपके एग को साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक ले जाएगा ओवरी के पास से, राइट। तो फंक्शन क्या हुआ, टू मूव द पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक तो ये बात हो गई ओवर द एपिथेलियम जो कि ब्रोंकियोल्स की बात है, और दूसरा टू मूव द एग एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिससे कि आपका बढ़िया तरीके से काम हो जाए।
तो यहां पर देखो, यहां पर आपके कॉलमनार सेल्स है, जो ब्रोंकियोल्स की बात हो रही है, यहां पर आपके कॉलमनार सेल्स है, ओके, कॉलमनार एपिथेलियम है, एंड इट इज सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड, यानी सिलिया इनके ऊपर लगा हुआ है। तो ये जो सिलिया है, यहां पर कोई डस्ट पार्टिकल अगर आ गया तो इस डस्ट पार्टिकल को खींचते हुए कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कराते हुए यहां तक ले जाएंगे, और यहां पर अगर एक बार डस्ट पार्टिकल आ गया तो छींक मार के आप उसे क्या करेंगे, अपनी बॉडी से बाहर फेंक देंगे। डन। नाउ ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यानी आपका यहां पर सिलिया का काम तो ये कर ही रहे थे, सिलिएटेड एपिथेलियम का, यानी ट्रांसपोर्ट का काम तो ये कर ही सकते हैं, डस्ट पार्टिकल को बाहर फेंकने का काम तो कर सकते ही हैं, साथ में मतलब कि आपका जो ओवम है उसको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम कर सकते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर मतलब ये ग्लैंड का भी काम कर सकते हैं, ये सिर्फ डक्ट में ना मौजूद होकर, सिक्रीशन का काम ना करके, सिंथेसिस का भी काम कर सकते हैं, ये आपके ग्लैंडुलर भी हो सकते हैं, यानी खुद की चीजें भी ये बना सकते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फॉर सिक्रीशन दे आर ऑफ टू टाइप, ये दो तरीके के सिक्रीशन कर सकते हैं, पहले आपके यूनिसेलुलर हो सकते हैं, जैसे कि गॉबलेट सेल जो कि म्यूकस बनाते हैं, तो यहां पर आइसोलेटेड जो सेल्स है ये क्या बनाते हैं, आपके सिक्रीशन बनाते हैं, जैसे गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल क्या बनाते हैं, म्यूकस बनाते हैं। तो यहां पर सिंगल सेल है, यही आपका ग्लैंड का काम कर रहा है, ये सिंगल सेल है, यही आपका ग्लैंड का काम कर रहा है। सो दिस इज आइसोलेटेड सिंगल सेल, जिसको आपने गॉबलेट सेल बोल दिया, और ये गॉबलेट सेल क्या काम करेगा, आपका म्यूकस बनाएगा। तो यहां पर देखो, दिस इज सिंगल कॉलमनार सेल, कॉलमनार है पतले और लंबे, यहां पर एक सेल आपका मॉडिफाई होकर क्या हो गया, ग्लैंडुलर हो गया, तो इन्होंने क्या बना लिया, गॉबलेट सेल बना लिया, जो कि अब म्यूकस सिक्रीट करेंगे, म्यूकस सिक्रीट करेंगे। दूसरे जो आपके टाइप ऑफ ग्लैंड्स हैं, ये मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, यानी काफी सारे सेल्स मिलकर आपका एक ग्लैंड तैयार कर सकते हैं, जैसे कि आपका सलाइवरी ग्लैंड। तो आपके सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं, जो आपकी ओरल कैविटी में सलाइवा पोर करते हैं, और सलाइवा क्या कैरी करता है, आपका अमाइलेज, ओके, नाम क्या है, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी ग्लैंड है तो सलाइवरी अमाइलेज ये कैरी करेगा। अगर अमाइलेज है तो किसको डाइजेस्ट करेगा, अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को। तो स्टार्च की 30% डाइजेशन तो आपके मुंह में ही हो जाती है, अगर आप आलू खाते हो 30% आलू 30% स्टार्च आपने मुंह में ही डाइजेस्ट कर लिया, क्योंकि यहीं पर आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम यानी कि सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट है, जिसको आप टायलिन भी बोलते हो। टायलिन वर्ड अभी डिस्कार्ड कर दिया गया है, बायोलॉजी में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन पहले आपका सलाइवरी अमाइलेज को टाइलिन बोल करके रिप्रेजेंट किया जाता था। अब एक नॉमन क्लेचर सिस्टम आ चुका है, जहां पर एज आता है नाम के एंड में, तो ये अमाइलोज को डाइजेस्ट करता है, अमाइलोपेक्टिन को डाइजेस्ट करता है, तो इसका नाम क्या हो गया, अमाइलेज, ओके। आपका प्रोटीन को अगर डाइजेस्ट करेगा तो प्रोटीएज, ओके। लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज। न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा, न्यूक्लिएज, एंड सो ऑन। तो एज जो नॉमन क्लेचर था उसको हम लाए, दैट्स व्हाई टाइलिन वर्ड हमें डिस्कार्ड करना पड़ा, काफी सारी पुरानी बुक्स में आपको हो सकता है लिखा हुआ भी मिल जाए। यहां पर काफी सारे सेल्स हैं, ये सेल है, 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 आपके 10-12 सेल्स हैं, जो कि मिल कर क्या बना रहे हैं, यहां पर एक कॉम्प्लेक्स आपका ग्लैंड बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो कि आपका ग्लैंड बन रहा है, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी लेयर्ड नहीं है, उस केस में कॉम्प्लेक्स नहीं देखना, राइट। तो ये मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर हो जाएगा, डन, जो कि आपका सलाइवा भी तैयार कर सकता है, जिसे आप सलाइवरी ग्लैंड बोल रहे हैं, सो इट इज अ मल्टी सेलुलर काइंड ऑफ ग्लैंड। अब देखो मॉडिफिकेशन में, ग्लैंडुलर एपिथेलियम में पहले तो हमने इस हिसाब से ग्लैंड को देखा कि वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर, तो लास्ट स्लाइड में हमने जब ग्लैंड देखे तो हमने ये देखा कि वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर, लेकिन इस बार जब हम ग्लैंड को पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये बना क्या रहा है। तो इस बार हम देखेंगे कि क्या ये आपका एंजाइम बना रहा है, यानी क्या ये एक्सोक्राइन है, या फिर क्या ये आपके हॉर्मोन्स बना रहा है, क्या ये एंडोक्राइन है। तो एक्सोक्राइन क्या बनाते हैं, एक्सोक्राइन जो है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आपके डक्ट्स के थ्रू अपनी सिक्रीशन को या ट्यूब्स के थ्रू अपनी सिक्रीशन को पोर करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीशन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इनकी सिक्रीशन बहुत ही ज्यादा भारी होती है, बहुत ही ज्यादा हैवी होती है, तो इनको अलग से ट्यूब्स की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या क्या बनाते हैं, ये म्यूकस बनाते हैं, ये आपका सलाइवा बनाते हैं, ईयर वैक्स बनाते हैं, ऑयल बनाते हैं, मिल्क बनाते हैं, और सारे के सारे आपकी बॉडी के एंजाइम्स बनाते हैं। तो एंजाइम्स कभी भी डायरेक्टली ब्लड में नहीं छोड़े जाते, ये एक डक्ट के थ्रू जाते हैं आपकी साइट ऑफ फॉर्मेशन से लेके साइट ऑफ अटैक तक। समझ लो, मेरी इस बॉडी के सेल ने कोई एंजाइम बनाया,
और यहाँ पर एक सेल है जिसे एंजाइम चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक एक ट्यूब जाएगी जो कि अपने एंजाइम्स को लेकर जाएगी। एक सिक्रेटरी ऑर्गन के साथ ना एक सिक्रेटरी ट्यूब भी अटैच रहती है जो कि एक एंजाइम के बनने के बाद, उसकी सिंथेसिस के बाद, उसकी सिक्रेशन में हेल्प करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है आप डक्टलेस ग्लैंड बोलते हो, क्यों? क्योंकि इनकी जो सिक्रेशन है जिनको आप प्यार से हार्मोन बोलते हो, इतनी हल्की होती है कि आप इन्हें डायरेक्टली ब्लड में छोड़ सकते हो और आपके ब्लड से ये एक पर्टिकुलर रिसेप्टर पर जाके चिपक जाएंगे। समझ लो मेरे दिमाग में एक ग्लैंड है जिसका नाम है लेट्स से पिट्यूटरी ग्लैंड, और उस पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक हार्मोन सिंथेसाइज किया है जो कि सीधा मेरे पैनक्रियाज पर जाकर अटैक करना चाहिए और कहीं नहीं जाना चाहिए। आप तो उसको ब्लड में छोड़ दे रहे हो हार्मोन को, वो तो कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन वो ऐसे ही रेंडमली कहीं पर भी अटैक नहीं करेगा, वो स्पेसिफिकली जाकर के मेरे पैनक्रियाज पर ही जाकर रुकेगा, क्योंकि मेरे पैनक्रियाज के जो सेल है उनके सरफेस के ऊपर एक प्रोटीन का रिसेप्टर प्रेजेंट है। अगर मेरा पैनक्रियाज है ये, इसके यहाँ पर एक रिसेप्टर प्रेजेंट है, और ये रिसेप्टर क्या करेगा, यहाँ से जो हार्मोन चल के आया है ना इसको रिसीव करेगा इस प्रकार, और बाकियों के पास ये रिसेप्टर नहीं है तो बाकी लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि मैंने कौन सा हार्मोन भेजा है, लेकिन जो मेरा पैनक्रियाज है वो यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर लेगा, या फिर मेरी किडनी जो है वो यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर लेगी। राइट, ये आपकी किडनी है, ये आपका पैनक्रियाज है, तो जहां जहां पर रिसेप्टर है वहीं वहीं पर आपका पर्टिकुलरली क्या होगा, अटैक होगा बाय अ हार्मोन। सिमिलरली यहाँ पर देखो आपका लैक्रिमल ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, सो लैक्रिमल ग्लैंड है, इसके साथ भी डक्ट एसोसिएटेड है, लैक्रिमल ग्लैंड जो आपके आंसू बनाता है। ओके, तो ये लैक्रिमल डक्ट से जाकर के यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं लैक्रिमल सैक में, एंड अल्टीमेटली जब आपको रोना आता है तो इन पंक्टा के थ्रू, पंक्टा मतलब पंचर वर्ड से लिया गया है, पंक्टा, पंचर का मतलब क्या होता है, छोटा सा छेद हो जाना, तो आपकी आंखों में जब आप देखोगे तो यहाँ पर छोटा सा छेद मिलता है, उससे आपके आंसू निकलते हैं यहाँ पर। ओके, तो जो लैक्रिमल ग्लैंड है ये भी अपनी आंसू को जो है भेजता है पंक्टा से रिलीज होने के लिए। सो ये कैसे हैं, आपके डक्ट वाले ग्लैंड्स, जबकि आपके जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि हॉर्मोन्स बनाते हैं वो आपके डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में ही ये पोर कर देते हैं अपनी सारी की सारी सिक्रीशंस को। राइट, ये बात यहां पर देखने को मिलती है। नाउ ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम मतलब मल्टी लेयर्ड। ओके, यहां पर आपको बहुत सारे लेयर देखने को मिलेंगे। अब तक आपने सिंपल एपिथेलियम के बारे में जाना, यानी सिंपल एपिथेलियम में आपके सिंगल लेयर के आपके सेल्स प्रेजेंट, जैसे स्क्वेमस जिसमें टाइल लाइक सेल्स थे लेकिन थी सिंगल लेयर ही, कॉलमनार जिसमें आपके कॉलम लाइक सेल्स थे, टॉल एंड स्लेंडर लेकिन थी सिंगल लेयर ही, क्यूबॉइडल जिसमें आपके क्यूबिकल सेल्स थे, क्यूब लाइक सेल्स थे लेकिन थे सिंगल लेयर में ही। यहां पर क्या हुआ, कंपाउंड एपिथेलियम में मल्टी सेल्स आपको देखने को मिले, यानी मल्टी लेयर्स आपको देखने को मिली, काफी सारी मोटी थिक लेयर आपकी सेल्स की बन गई। यहां पर लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में, मतलब सिक्रीशन कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं, इसमें दोराय नहीं है, लेकिन इनका रोल लिमिटेड है। इनका ज्यादातर जो रोल है वो किसमें है, अब ये इतने मोटे हो चुके हैं, हट्टे कट्टे हो चुके हैं कि इनका जो मेजर रोल होता है मेरे दोस्त, ये प्रोटेक्शन में होता है, ये आपको सेफ गार्ड करने में होता है। तो दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, क्योंकि स्किन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी, तो उसका जो ड्राई सरफेस है ये कौन कवर करता है, कंपाउंड एपिथेलियम, यानी आपकी जो बाहर की एपिथेलियम है ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है फ्रॉम अ लॉट ऑफ पैथोजन, जिससे कोई भी ओंगा पोंगा पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर इंटरेक्ट ना कर पाए, आपकी बॉडी के अंदर एंटर भी ना कर पाए। तो ये आपके बैरियर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहलाते हैं। जब आप अपने इम्यून सिस्टम की बात करते हो तो आप फर्स्ट लाइन डिफेंस के बारे में बात करते हो, बैरियर्स के बारे में बात करते हो, तो ये स्किन जो है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर है। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी का मॉइस्ट सरफेस, ओके, बक्कल कैविटी का। फेरिंग्स आ गया उसके नीचे, फिर इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एज वेल एज आपका पैनक्रियाटिक डक्ट, इन सारी जगह पर क्या देखने को मिलेगा, आपका कंपाउंड एपिथेलियम। अब या तो ये प्रोटेक्ट कर रहा है आपको बाहर की साइड से पैथोजन से, या फिर ये अंदर की साइड प्रेजेंट यू नो एसिड से आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे पैनक्रियाटिक जो डक्ट है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आपके यू नो बेसिक पीएच हो जाता है, तो बहुत ही ज्यादा बेसिक अगर पीएच है, बहुत ही ज्यादा एसिडिक अगर पीएच है, उनसे बचाने का काम कौन करेगा, अंदर का कंपाउंड एपिथेलियम। राइट, तो इनर लाइनिंग्स भी ये तैयार कर सकता है और आउटर जो सरफेस है वो भी ये तैयार कर सकता है। फंक्शन क्या है इसका, मेन प्रोटेक्शन है अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। अगर ये बाहर प्रेजेंट है तो आपको मैकेनिकल स्ट्रेस से रोकेगा कि आपको चोट ना लग जाए, और अंदर की साइड है तो अंदर आपकी बॉडी के अंदर केमिकल भी तो पोर हो रहे हैं तो उनसे भी आपको बचा लेगा। जैसे आपका स्टमक है,
स्टमक के अंदर क्या देखने को मिलता है, आपको एसिड देखने को मिलता है, तो उसके ऊपर म्यूकस की कोटिंग होती है। लेकिन हर जगह पर म्यूकस अगर नहीं होगा तो कुछ जगह पर आपको स्पेशलाइज्ड कंपाउंड एपिथीलियम भी देखने को मिल सकती है जो कि आपको प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि आपके ये जो बक्कल कैविटी है इसको स्ट्रांग बनाती है। तो जो इनर सरफेस है, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, जिसके अंदर आप कोई भी चीज खाते हैं तो आपको यूजुअली स्क्रैचेस नहीं पड़ते, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कंपाउंड एपिथीलियम। आपकी स्किन जो है हर छोटी मोटी चीज से आपको स्क्रैच नहीं पड़ते, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कंपाउंड एपिथीलियम जो कि मल्टी लेयर्ड होती है, जिस वजह से आपको क्या मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है। और ये आपका स्किन का एग्जाम्पल भी ले रखा है, ये आपकी स्किन की लेयर्स है एंड ऊपर आपको स्किन से एसोसिएटेड हेयर्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि मैमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि आपकी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल बॉडी हेयर्स देखने को मिलते हैं। सेल जंक्शन यानी एपिथीलियम सेल्स को अब एक टिश्यू की फॉर्म में आप अगर देखेंगे तो सेल्स के बीच में कनेक्शन भी तो प्रोवाइड होना चाहिए ना। हमने क्या बोला, अलग अलग सेल्स जो थे इन्होंने मिल करके एक टिश्यू बना लिया जो कि सेम काम कर रहा है। अब ये सेल्स नॉर्मली आकर तो गुच्छा बना के जुड़ नहीं सकते, इनके बीच में कोई तो चीज होगी जो कि इनको कनेक्ट करके रखे हुए है, जो कि इनको बांध के रखे हुए है। तो ऐसी चीज जो कि इनको कनेक्शन प्रोवाइड करती है, जो कि इनको बांध के रखती है, जो कि इनको साथ में रखती है, उस कनेक्शन को आप क्या बोलते हैं, सेल जंक्शंस। और ये अलग अलग टाइप के होते हैं, 4-5 अलग अलग टाइप के सेल जंक्शंस आपको पढ़ने होते हैं, एनसीईआरटी में सिर्फ 3 है, इन्हीं पर हमारा मेन फोकस रहेगा। सो ये जंक्शन क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल तो आपको कनेक्शन प्रोवाइड करते ही हैं, यानी दो अलग अलग चीजों को, दो अलग अलग सेल को साथ में तो लेकर आ ही जाएंगे, लेकिन फंक्शनल लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी एक सेल और दूसरे सेल को इस प्रकार से काफी बार ये कनेक्ट करते हैं कि इनके बीच में चीजों का, केमिकल्स का, आयंस का, लार्जर मॉलिक्यूल्स का आदान प्रदान भी हो पाए। तो आपस में चीजों को जोड़ रहे हैं, दैट इज गिविंग देम अ स्ट्रक्चरल इंटरेक्शन, अ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, बट अदर देन दैट दे आर ऑल्सो गिविंग देम द फंक्शनल इंटीग्रिटी। फंक्शनल जो है कनेक्शन भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं एडजेसेंट सेल्स के बीच में, आसपास होना सेल्स का जरूरी है क्योंकि तभी उनके बीच में कनेक्शन डेवलप होगा। तो 3 टाइप के आपको सेल जंक्शंस देखने को मिलते हैं। पहला जो सेल जंक्शन है इसे आप प्यार से कहते हैं टाइट जंक्शन। नाम ही है टाइट जंक्शन, तो चीजें इतनी पास पास आ जाएंगी, चीजें एक दूसरे के साथ इतने बढ़िया तरीके से जुड़ जाएंगी। ये वाला आपका टाइट जंक्शन है, देखो जहां पर एक्टिन फिलामेंट्स आपके अटैच होते हैं, जिनको आप माइक्रो फिलामेंट भी बोलते हो। तो एक्टिन फिलामेंट और जो माइक्रो फिलामेंट है ये इतने पास पास अटैच है, ये चीजों को लीक नहीं होने देते। तो टाइट जंक्शन का मतलब क्या है कि कोई भी चीज यहां से लीक नहीं हो सकती, इतना टाइट इन्होंने सेल्स को जोड़ दिया है कोई चीज लीक नहीं होगी, इसलिए इसका नाम टाइट है, बेसिकली याद कर सकते। एडेरिंग जंक्शन, एडेरिंग जंक्शन में एक वर्ड आता है एडेयर या फिर एडहेसिव। आप जब फेविकॉल का एड देखते हो तो क्या लिखा रहता है उसके नीचे, लिक्विड एडहेसिव। जब आप किसी भी गम को यूज करते हो ना, या फिर किसी भी चिपकाने वाले मटेरियल को यूज करते हो तो उसके नीचे लिखा रहता है एडहेसिव। एडहेसिव का मतलब ये होता है चिपकाना। तो एडेरिंग जंक्शन क्या करता है, ये भी आपका कनेक्ट कर देता है दो सेल्स को साथ में। तो ये जो एडेरिंग जंक्शन है या जो एडेरेंस जंक्शन है, ये भी आपका एक्टिन की मदद से क्या करता है, कनेक्ट कर देता है दो सेल्स को साथ, चिपका के रखता है। गैप जंक्शन, नाम क्या है, गैप। तो इनके बीच में थोड़ा बहुत गैप देखने को मिल सकता है जिससे चीजों का आदान प्रदान हो जाए। तो यहां पर जो गैप जंक्शन है ये इस प्रकार से एक ब्रिज बना देता है जिससे चीजों का, छोटे छोटे आयंस का, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का एंड समटाइम्स बड़े मॉलिक्यूल का भी आदान प्रदान हो सके, दैट इज कॉल्ड एज गैप जंक्शन। अब देखो इनकी एक्चुअल डेफिनेशंस विच आर गिवन इन एनसीईआरटी। टाइट जंक्शन क्या था, मैंने आपको बताया था इतने टाइट हो जाते हैं कि लीकेज रोकते हैं, तो दे स्टॉप द सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। यानी एक सेल दूसरे सेल से जुड़ चुका है, दूसरा सेल तीसरे सेल से जुड़ेगा, चौथे से, पांचवे से, ये टिश्यू बना चुके हैं, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में सब्सटेंसेस लीक ना हो, ये टाइटली प्रेजेंट हो, एकदम चिपक जाए एक दूसरे से, इसीलिए टाइट जंक्शन मौजूद होते हैं। टाइट जंक्शन का मतलब ये इतने टाइट होंगे कि लीकेज नहीं हो। तो यहां पर देखो ये आपको टाइट जंक्शन दिखा रखा है, बहुत टाइट है, सील लग गई है यहां पर, जो कि एक्टिन की मदद से यहां पर बहुत ही अच्छा जंक्शन बना देते हैं। अगला जो है दैट इज एडेरिंग जंक्शन। एडेरिंग मतलब चीजों को पास पास लाना। तो ये क्या करते हैं, सीमेंटिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं और नेबरिंग सेल्स को पास पास ले आते हैं। तो ये एडेरिंग जंक्शन है, ये आपकी एडेरिंग डिस्क है जिनके बीच में आपके एक्टिन फिलामेंट्स मौजूद होते हैं। तो एडेरिंग जो जंक्शन हैं, यहां पर ये दो डिस्क आती हैं सेल्स के अंदर, दो डिफरेंट सेल्स के अंदर, जो कि इन्हें साथ साथ कनेक्ट कर देती है। गैप जंक्शन,
अब गैप जंक्शन क्या है, नाम ही अगर गैप, तो सेल्स को इस प्रकार से अटैच करता है कि इनके बीच में केमिकल इंटरेक्शन भी हो पाए। जब हमने जंक्शंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने क्या बोला था, स्ट्रक्चरल कनेक्शन तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, जैसे कि टाइट और एडेरिंग जंक्शन इन्हें पास पास तो ला रहे हैं, लेकिन फंक्शनल लिंक भी तो प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, एक दूसरे के अंदर एक केमिकल भी तो भेज पाए, अपने फंक्शंस भी कोऑर्डिनेट कर पाए। तो इस चक्कर में इन्होंने क्या किया है, साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर दिया है दो सेल्स के। तो ये जो सेल है, इसका साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म सीधा सीधा कनेक्टेड है, एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से माल पहुंच सकता है। तो रैपिड ट्रांसफर हो सकता है यहाँ पर आयंस का, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, एंड ओकेजनली कुछ बिग मॉलिक्यूल्स का भी। ओकेजनली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जिससे आपको रिविजन के टाइम याद हो जाए, हर बार नहीं होता, काफी बार जरूरत होती है, तो बड़े मॉलिक्यूल्स को भी पुश करके धक्का मार के दूसरी साइड निकाल दिया जाता है। तो ये आपके गैप जंक्शन थे। डेस्मोसोम क्या होता है, डेस्मोसोम में भी इसी प्रकार की एडेरिंग डिस्क आपको देखने को मिलती है, जैसे एडेरिंग जंक्शन में देखने को मिली थी। और ये डेस्मोसोम है, तो इसमें दोनों सेल्स में क्या होता है, इस प्रकार के फाइबर्स आकर के अटैच हो जाते हैं, राइट। सो दिस इज डेस्मोसोम, यहां पर देखो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आकर के अटैच हो जाते हैं। तीन प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं इस प्रकार के फाइबर्स आपके सेल्स के अंदर, एक तो आपका एक्टिन फिलामेंट जिसको आप माइक्रो फिलामेंट बोलते हो, एक होता है आपका माइक्रोट्यूब्यूल और एक होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो माइक्रो फिलामेंट जो है एक्टिन, वो आपको एडेरेंस जंक्शन और टाइट जंक्शन में देखने को मिल रहा है। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है, जो कि एक्टिन फाइबर से थोड़ा मोटा होता है डायमीटर में, वो आपको डेस्मोसोम में देखने को मिलेगा। तो अगर डेस्मोसोम दोनों साइड से बन रहा है, इस साइड से भी, इस साइड से भी, तो ये कंप्लीट डेस्मोसोम कहलाता है। ओके, यहां पर इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट होता है। और अगर ये सिर्फ एक ही सेल में मौजूद है, जैसे ये जो डेस्मोसोम है, ये इनको किसी सरफेस से भी कनेक्ट करते हैं, तो ये आपका कोई सरफेस है। ओके, यहां पर आपका डेस्मोसोम एक ही सेल के अंदर है ना, दूसरा तो सरफेस है, उसके अंदर तो डेस्मोसोम बनेगा नहीं। यहां पर डेस्मोसोम एक ही सेल के अंदर है, दूसरे में तो है नहीं, दूसरे में तो बनेगा नहीं, तो इट इज कॉल्ड एज हैमी डेस्मोसोम, यानी हाफ डेस्मोसोम। यानी ये जो डेस्मोसोम है, ये दो सेल्स को अगर कनेक्ट कर रहे हैं, देन दे आर कंप्लीट डेस्मोसोम, क्योंकि दोनों सेल के डेस्मोसोम्स आकर के, दोनों सेल के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आकर के कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। लेकिन अगर देखो, ये एक फाइबर है इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये एक इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, साथ में आकर के कनेक्ट हो गए डेस्मोसोम, क्योंकि दोनों अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अब मुझे जो है, यहां पर एक कोस्टर ले लेता हूं मैं, यहां पर ये जो कोस्टर है, दिस इज मैट्रिक्स, ये सेल के बाहर की आपकी लेयर या सेल के बाहर का आपका सब्सटेंस है, इसके साथ मुझे सेल को कनेक्ट करना है। तो एक ही सेल है मेरे पास और उसका आधा डेस्मोसोम है, कंप्लीट डेस्मोसोम में तो दोनों इंटरेक्ट कर रहे थे, नहीं आधा डेस्मोसोम है तो हैमी डेस्मोसोम। ये सेल भी अगर मैट्रिक्स से कनेक्टेड है तो हैमी डेस्मोसोम, ये सेल भी अगर मैट्रिक्स से कनेक्टेड है तो हैमी डेस्मोसोम, और ये दोनों अगर आपस में कनेक्टेड है इस प्रकार से क्रॉसलिंक अगर बना रहे हैं, तो कंप्लीट डेस्मोसोम दे आर गोइंग टू फॉर्म। फर्क क्या है, एडेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन में आपके एक्टिन फिलामेंट्स मौजूद थे, जबकि आपका जो डेस्मोसोम है इसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आपके मौजूद हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, कि कौन कौन से टाइप के कनेक्टिव टिश्यू आपको देखने हैं, एंड व्हाट इज देयर फंक्शनल डाइवर्सिटी, और कितने ज्यादा नंबर में ये पाए जाते हैं, या फिर कितने तरीके के हैं आपके बॉडी के अंदर, इन सारी चीजों के बारे में वी आर गोइंग टू टॉक राइट नाउ। सो गाइज, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में एकदम बेसिक जानकारी से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। नाम में ही आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। नाम का मतलब है कनेक्शन प्रोवाइड करने वाला। सो ये लिंक करते हैं, यानी कनेक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं अदर टिश्यूज और ऑर्गन्स को, दैट्स वाई इन्हें कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है। यानी ये जो टिश्यू है और इनके अंदर जो वैरायटी ऑफ सेल्स हैं, वैरायटी ऑफ जो टाइप ऑफ टिश्यूज हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत बड़ी बाइफर्केशन देखने को मिलेगी। जैसा मैंने आपको बताया था, कनेक्टिव टिश्यूज आर वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ टिश्यूज, क्योंकि एपिथिलियम के साथ भी कनेक्टेड होते हैं, ये आपके मसल्स के साथ भी कनेक्टेड होते हैं। सो ये आपके हर जगह हर दूसरे ऑर्गन और टिश्यू के साथ कनेक्टेड आपको मिलेंगे। सो इसीलिए सबसे ज्यादा अबंडेंट और सबसे ज्यादा पाए जाने वाले टिश्यूज हैं इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। नाउ ऑल कनेक्टिव टिश्यूज, यानी हर कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट सेल होंगे। फाइब्रो का मतलब होता है फाइबर और ब्लास्ट का मतलब होता है सिंथेसाइजिंग, यानी ऐसे सेल जो कि फाइबर सिंथेसाइज करते हैं। एंड फाइबर का काम क्या होता है, फाइबर का काम होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो यहां पर जो आपका कोलेजन फाइबर है, जो मोटा वाला दिखाई दे रहा है, ये आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ओके, और कोलेजन का आपने नाम सुना होगा, कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन केस ऑफ एनिमल्स। दुनिया के सबसे अबंडेंट प्रोटीन की जब आप बात करते हो, तो उसका नाम है रूबिस्को, जो कि प्लांट्स में पाया जाता है, जो कि आप फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे,
ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। लेकिन जब आप एनिमल्स की बात करते हैं तो ये जो कोलेजन है, ये कोलेजन जो है ये प्रोटीन आपका सबसे अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड का। ये आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एज वेल एज यहाँ पर दूसरे तरीके के भी फाइबर्स होते हैं जिनका नाम क्या है, इलास्टिन फाइबर। अब नाम क्या है, इलास्टिन। तो ये इलास्टिक होते हैं नेचर में, यानी ये आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो कोलेजन से स्ट्रेंथ आई जिससे कि कोई चीज टूटे ना, लेकिन उसका हल्का फुल्का इलास्टिक होना भी जरूरी है जिससे कि वो बिल्कुल स्टिफ और रिजिड ना हो जाए कोई टिश्यू। तो इलास्टिन जो है आपको इलास्टिसिटी या फिर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं सारे के सारे इनमें फाइब्रोब्लास्ट सेल होते हैं एक्सेप्ट वन टिश्यू, दैट इज ब्लड। तो ब्लड को इसीलिए क्या कहा जाता है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, बिकॉज ये बहुत स्पेशल है, इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट नहीं होते। अगर आपके फाइबर्स प्रेजेंट होंगे आपके ब्लड के अंदर तो क्या आपका ब्लड बह पाएगा, द आंसर इज अ बिग नो। आपका खून कभी भी बह नहीं पाएगा क्योंकि अगर उसके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट होंगे तो वो फ्लूइड ना होकर के सॉलिड हो जाएगा और सॉलिड चीज कभी भी बहती नहीं है। और जो फाइबर्स हैं ये आपस में ऐसे उलझ करके गांठ बना सकते हैं और अगर वो उलझ जाएंगे एक दूसरे में तो वो जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनको ब्लॉक करके बैठ जाएंगे और जो लिक्विड ब्लड है वो कभी भी फ्लो नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई ब्लड के अंदर फाइब्रोब्लास्ट सेल देखने को नहीं मिलते। जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं ये आपका सिक्रीट करते हैं अलग अलग फाइब्रस प्रोटीन। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अबंडेंट है यहाँ पर कोलेजन प्रोटीन जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एंड दूसरा इलास्टिन प्रोटीन, नाम में ही है, ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। नाउ ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं जैसे कि कोलेजन, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं जैसे इलास्टिन, और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है आपका इलास्टिन टू द कनेक्टिव टिश्यूज। द सेल्स ऑल्सो सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड। यहाँ पर काफी सारे पॉलीसेक्राइड यानी काफी सारी कॉम्प्लेक्स शुगर्स आपकी सिक्रीट करी जाती हैं जो कि मैट्रिक्स में जाकर के जमा हो जाती है। यानी यहाँ पर इन फाइबर्स के बाहर ये जो आपको ग्राउंड सब्सटेंस देखने को मिल रहा है, ये जो मैट्रिक्स देखने को मिल रही है, इस मैट्रिक्स के अंदर आपकी मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड होते हैं जो कि आपके फाइब्रोब्लास्ट सेल ही काफी बार सिक्रीट करते हैं या फिर मेन जो आपके सेंट्रलाइज सेल्स हैं ये सिक्रीट करते हुए दिखाई दे जाते हैं। सो ये जो आपकी मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड है या फिर ये जो आपका ग्राउंड सब्सटेंस है या जो ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी अक्यूमुलेट हो जाएगी बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स। यानी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सेल्स है और यहाँ पे जो फाइबर्स है इसके बीच में आपको ब्राउन कलर का ये जो इलाका दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये जो इलाका है ये आपका मैट्रिक्स वाला पार्ट है, राइट। सो ये आपके बेसिक पॉइंट्स है। नाउ कनेक्टिव टिश्यूज को आप तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहली जो कैटेगरी है ये है लूज कनेक्टिव टिश्यू। नाम ही है लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो मेजर सेल्स हैं उनके साथ के जो फाइबर्स हैं ये बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। दूसरे प्रकार के जो टिश्यूज हैं ये हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू मतलब यहाँ पर जो आपके फाइबर्स हैं और जो एसोसिएटेड सेल्स हैं ये एकदम पास पास प्रेजेंट हैं, इतने पास प्रेजेंट हैं कि इस टिश्यू की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और थर्ड प्रकार का जो टिश्यू है ये है आपके स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें आपको कुछ स्पेशल केसेस देखने को मिलते हैं जैसे कि आपका ब्लड, आपकी बोन एंड आपकी कार्टिलेज। तो जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं ये आपके कार्टिलेज बनाते हैं, जो ऑस्टियोसाइट होते हैं आपके बोन बनाते हैं, एज वेल एज आपके ब्लड सेल्स जो है आरबीसी दैट आर एरिथ्रोसाइट, एज वेल एज आपके डब्ल्यूबीसी दैट इज ल्यूकोसाइट एंड योर प्लेटलेट एंड प्लाज्मा, ये मिलकर क्या बनाते हैं, ब्लड बनाते हैं, विच इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब लूज लूज प्रेजेंट है, जिसके दो एग्जाम्पल हैं एरियोलर ओके एंड अडाइपोस। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आपके डेंस रेगुलर, अगर आपके फाइबर का और सेल्स का पैटर्न रेगुलर है, एक के बाद एक प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में। डेंस इररेगुलर, अगर ये इररेगुलरली प्रेजेंट है तो। एंड देन स्पेशलाइज में कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड, इन सब की इंडिविजुअल स्टडीज अब आपको करनी है। तो इन सात स्पेशलाइज कैटेगरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू का जनरल पर्सपेक्टिव। लूज कनेक्टिव टिश्यू, नाम क्या है, लूज यानी ढीले ढाले प्रेजेंट, ओके। सो इन दिस जो सेल है यानी कि फाइब्रोब्लास्ट है यानी फाइबर बनाने वाले सेल, एज वेल एज जो मैक्रोफेजेस है जो कि इम्यून सेल है, जो मास्ट सेल है जो कि इम्यून ब्लड सेल है, ये आपके क्या करेंगे, बेसिकली प्रेजेंट होंगे। एंड जो फाइबर है जो कि फाइब्रोब्लास्ट द्वारा सिक्रेटेड होंगे लूजली अरेंज होते हैं, ये आपके ढीले ढाले प्रेजेंट है इन द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। ये इतने ज्यादा लूज है कि इनकी जो मैट्रिक्स है ये भी आपकी सेमी फ्लूइड है, इसमें ये आराम से दूर दूर प्रेजेंट रहते हैं। और ये दो प्रकार के होंगे, एरियोलर एंड आपके अडाइपोस। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा एरियोलर,
जो कि आपके स्किन में प्रेजेंट होते हैं, एडाइपोज ये भी आपके स्किन में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एडाइपोज वाले क्या है, ये आपके स्टोरेज टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं, ये यूजुअली आपके फैट को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं आपकी स्किन के नीचे। तो बीनीथ द स्किन ये स्टोरेज का काम करते हैं, लेकिन एरियोलर के उससे हटकर भी कुछ काम होते हैं जो कि आपको अभी देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू इज एरियोलर। एरियोलर आपका बीनीथ द स्किन प्रेजेंट रहेगा, ये आपका सपोर्टिव फ्रेमवर्क बनाता है फॉर द एपिथेलियम। जैसा कि नाम ही था कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, कनेक्शन प्रोवाइड करता है बाकी सारे टिश्यूज को, बाकी सारे ऑर्गन्स को। तो आपकी स्किन है, आपकी स्किन के ऊपर सबसे पहले क्या प्रेजेंट है, एपिथेलियम। आपकी स्किन पर सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट है, एपिथेलियम। तो ये एपिथेलियल टिश्यू हो गया। एपिथेलियल टिश्यू के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट रहता है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन मतलब एक ऐसा बेसमेंट, एक ऐसा बेस जिसके ऊपर आपका एपिथेलियम रेस्ट कर सकता है। तो ये अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन है तो उसके ऊपर एपिथेलियम आकर के टिक सकता है। एंड इसके नीचे जो आपका कनेक्टिव टिश्यू होगा, ये आपका सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, स्टैंड प्रोवाइड करेगा इस एपिथेलियम के लिए। तो इसके नीचे जो है आपको कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिल जाएगा। ये जो टिश्यू आपका प्रेजेंट है, जो कि यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है, फ्रेम का काम कर रहा है, ये आपका एरियोलर काइंड ऑफ टिश्यू, एरियोलर काइंड ऑफ टिश्यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एरियोलर टाइप ऑफ टिश्यू में ये आपके सेल्स हैं। यहाँ पर इन सेल्स ने क्या किया है, फाइबर्स तैयार किए हैं। तो ये आपके फाइबर्स हैं जो कि कोलेजन और इलास्टिन आपके हो सकते हैं। यूजुअली इनमें ज्यादातर कोलेजन देखने को मिलते हैं क्योंकि स्ट्रेंथ इसका मेन काम है, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। ओके, तो यहाँ पर देखो दिस सेल, दिस ग्रीन सेल इज फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट मतलब इससे आपके फाइबर सिंथेसाइज होंगे। तो ये आपके फाइब्रोब्लास्ट सेल का न्यूक्लियस है और यहां से इस फाइब्रोब्लास्ट से फाइबर आपके सिंथेसाइज हुए, तो ये आपके फाइबर आ जाए। ये आपके कौन से फाइबर हुए, कोलेजन फाइबर, जो कि इनको स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ यहां पर आपका क्या है, यहां पर आपकी ब्लड वेसल देखने को मिल रही है, ब्लड की सप्लाई भी है यहां पर, ब्लड वेसल आपको देखने को मिल रही है। और ब्लड वेसल है तो ब्लड से रिलेटेड कुछ सेल्स भी यहां पर मौजूद होंगे, जैसे कि आपका मैक्रोफेज जो कि इररेगुलर शेप में यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आपका मैक्रोफेज हो गया। और ये जो आपका न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल है, ये आपका क्या हो गया, मास्ट सेल हो गया, ये भी आपका प्रेजेंट रहता है, इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव सेल इसे भी बोला जाता है। तो ये जो सेल है जिसके अंदर से फाइबर निकलेंगे, फाइब्रोब्लास्ट हो गया, ये आपके फाइबर के थ्रेड्स हो गए, ये आपका मैक्रोफेज हो गया, ये आपका मास्ट सेल हो गया। यहां पर आपकी ब्लड वेसल है एंड इसके साथ साथ ये आपके कुछ फैट कंटेनिंग सेल्स दिखाए गए हैं यहां पर। ओके, सो ये क्या हो गए, आपके एरियोलर टाइप ऑफ टिश्यू हो गए, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा है अडाइपोज। ओके, अडाइपोज का मतलब ऐसे टिश्यू जो कि फैट को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो ये वाला सेम सेल आपने कहां पर देखा था, एरियोलर के साथ एसोसिएटेड भी देखा था, ये सेम सेल आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, सेम तरीके की ऑर्गेनाइजेशन का, राइट। तो यहां पर देखेंगे ये आपका फैट स्टोरेज एरिया है, इनका न्यूक्लियस आपका कोने पे चला जाता है क्योंकि ज्यादातर जो पार्ट है इन सेल्स का, ये फैट को स्टोर करने में ही अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। तो यहां पर न्यूक्लियस जो है ये कॉर्नर में शिफ्ट हो गया है क्योंकि सेंटर से लेके और दूसरे कॉर्नर तक का पार्ट जो है ये फैट स्टोर करने में शामिल है। अब एनिमल की बात हो रही है तो यहां पर सेल वॉल तो एब्सेंट होती है, सेल वॉल आपकी एब्सेंट होगी तो उसको तो आप यहां पर लिखेंगे नहीं, तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर जो कि आपको यहां पर देखने को मिलती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने दिखा दी, न्यूक्लियस आपने दिखा दिया और ज्यादातर इसमें फैटी है, बची हुई ऑर्गेनेल्स यूजुअली यहां पर एब्सेंट होती है क्योंकि ज्यादातर ये जो है आपके फैट स्टोर करने में ही काम आएंगे, तो इनका काम एक ही है, तो ये ज्यादातर ऑर्गेनेल्स को रिलीज कर देता है। डन, तो ये बीनीथ द स्किन देखने को मिलता है, यानी कि आपकी बॉडी में आपने कुछ न्यूट्रिएंट्स लिए, आपने खाना खाया और आपने जब खाना खाया तो कुछ खाना आपका टूट करके एटीपी में तब्दील हो गया, यानी उस खाने ने आपको एनर्जी दे दी और बचा हुआ खाना आपकी बॉडी में स्टोर हो गया। कुछ जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं एज फैट, यानी आपकी बॉडी की जो चर्बी आप बोलते हैं ये फैट है जो कि आपकी स्किन के नीचे जमा हो जाता है, जो कि अडाइपोज टिश्यू के फॉर्म में जमा होगा। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप डाइटिंग कीजिए अगर आपको वजन लूज करना है। तो जब आप डाइटिंग करते हैं लंबे टाइम के लिए, क्योंकि आपको लंबे टाइम के लिए भूखा रहना इज इंपॉर्टेंट, अगर आप समझ लीजिए ग्लूकोन डी पी चुके हैं और उसके बाद आप भूखा रहते हैं तो इनिशियली आपकी बॉडी में जब आप भूखे हैं उस दौरान वो ग्लूकोन डी मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, यानी वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स टूटेंगे एनर्जी बनाने के लिए, फैट मॉलिक्यूल वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। लेकिन अगर आप लंबे टाइम तक भूखे पेट रहते हैं तो आपकी बॉडी का कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज होने के बाद फैट की बारी आती है, वो बर्न होना स्टार्ट होता है, तब जाके आपकी बॉडी का फैट कम होगा।
इसीलिए जब आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट एग्जॉस्ट होने लगता है, कम हो जाता है, और फैट की बारी आ जाती है यूटिलाइज होने की। और इसीलिए ज्यादा एक्सरसाइज के बाद फैट बर्न होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो आप अपने आप को पतला देख सकते हैं। तो एडिपोसाइट किसे बोलते हैं? एडिपोसाइट मतलब एडिपोज टिश्यू के सेल, एडिपो मतलब एडिपोज एंड साइट का मतलब सेल्स। ओके, तो एक्सेस न्यूट्रिएंट जब भी आपकी बॉडी में आएंगे तो ये फैट में तब्दील हो जाएंगे और इस टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं ये फैट की फॉर्म, राइट? सो लूज कनेक्टिव टिश्यू की जब आप बात करेंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू दो तरीके के, जिनमें सेल्स बहुत दूर दूर प्रेजेंट है, फाइबर सेल्स एकदम लूजली पैक्ड है। पहला आपका एरियोलर जो कि स्किन के नीचे प्रेजेंट है, जो कि एपिथेलियल को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जबकि दूसरा है आपका एडिपोज जो कि आपका स्किन के नीचे ही प्रेजेंट है, लेकिन सपोर्ट ना प्रोवाइड करके आपको क्या प्रोवाइड करेगा, फैट स्टोर करने की एक जगह प्रोवाइड करेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस का मतलब अब जो फाइबर है, अब जो सेल्स हैं, ये आपके कंपैक्टली पैक्ड हैं, एकदम पास पास आ चुके हैं, बहुत दूर दूर अब ये नहीं है। तो यहां पर देखो, जो फाइबर्स थे और जो फाइब्रोब्लास्ट थे, यानी जो सेल फाइबर बना रहे हैं और जो जो फाइबर्स बने हैं, यानी आपके कोलेजन और इलास्टिन, ये आपके कंपैक्टली पैक्ड। इसको भी हमने दो अलग अलग पार्ट्स में बांटा, पहला डेंस रेगुलर। अब यहां पर देखो कितनी ज्यादा रेगुलर अपीयरेंस आपको आ रही है। आप कोई भी पार्ट देख लो, आप इतना पार्ट देख लो इस इमेज का, आप इतना पार्ट देख लो, आप इतना पार्ट देख लो, आप इतना पार्ट देख लो, आपको चारों पार्ट एक जैसे ही दिखाई देंगे, बिकॉज इट इज वेरी रेगुलर। लेकिन यहां पर आपकी इरेगुलरिटी है, राइट? यहां पर आपकी इरेगुलरिटी है जो आपको देखने को मिल रही है। यहां पर फाइबर देखो कितना बड़ा है, लेकिन यहां पर आपका पिंक पिंक कलर है, व्हाइट कलर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इरेगुलरिटी। सो ये आपके डेंस रेगुलर या फिर डेंस इररेगुलर हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट का अरेंजमेंट किस प्रकार का है। तो डेंस रेगुलर कैसा दिखाई देता है? ऐसा। ये आपके सेल्स है, दैट आर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, और इन्होंने क्या बना दिया है, कोलेजन फाइबर बना दिया, एकदम रेगुलर दिखाई दे रहे हैं। सो इसे आप क्या कहते हैं, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ओके, कोलेजन फाइबर जो है ये रोज में प्रेजेंट होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट होते हैं, और पैरेलल बंडल है यहां पर फाइबर्स, यानी पैरेलली एक के बाद एक फाइबर आपका प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा इंटरसेक्शन यहां पर शो नहीं हो रही है, तो मस्त तरीके से एकदम रेगुलर अपीयरेंस आपको देते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेंडन एंड लिगामेंट, टेंडन एंड लिगामेंट। तो टेंडन एंड लिगामेंट क्या होते हैं और ये किस चीज को किस दूसरी चीज से जोड़ते हैं, ये याद करना इंपॉर्टेंट है। तो टेंडन क्या करता है, ये मसल को बोन से अटैच करता है। जैसे यहां पर देखो, ये आपकी बाइसेप मसल है विच इज अटैच टू दिस बोन, तो यहां पर टेंडन प्रेजेंट होता है जो इस मसल को बोन से अटैच करता है। तो टेंडन क्या करेगा, बोन को अटैच करेगा मसल के साथ, ये आपके टेंडन का काम। और लिगामेंट क्या करेगा, लिगामेंट आपकी एक बोन को दूसरी बोन से अटैच करता है, तो लिगामेंट क्या करेगा, आपकी बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है। तो बोन टू बोन अटैचमेंट इज प्रोवाइडेड बाय लिगामेंट विच इज रेगुलर इन नेचर, और बोन टू मसल अटैचमेंट इज प्रोवाइडेड बाय टेंडन विच इज ऑल्सो रेगुलर इन नेचर। तो डेंस रेगुलर के अंदर आते हैं। डेंस इरेगुलर देखो कैसे दिखाई दे रहे हैं, यहां पे आप फाइबर का स्ट्रक्चर देखो, एकदम पैरेलली जा रहे हैं, एकदम वेल ओरिएंटेड है, एकदम पैरेलल वेल ओरिएंटेड। लेकिन दूसरी जगह जब आप देखोगे तो यहां पर देखो फाइबर कहीं जा रहे हैं, सेल कहीं पर है, यहां पर बीच में कोई और सेल प्रेजेंट है, फाइबर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है, फिर एक सेल प्रेजेंट है, फिर फाइबर और टेढ़ा मेढ़ा है, कोने में एक सेल प्रेजेंट है। यानी जो आपके फाइब्रोब्लास्ट सेल है एज वेल एज जो कोलेजन फाइबर है, ये एक जगह पर तो गुच्छे में प्रेजेंट है, दूसरी जगह एकदम खाली है। यहां पर गुच्छे में प्रेजेंट है, ये जगह एकदम खाली है, तो ये एकदम इररेगुलर अरेंजमेंट शो करते हैं। तो इस इररेगुलर पैटर्न की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है डेंस इररेगुलर टाइप ऑफ टिश्यू, जो कि यूजुअली आपकी स्किन में देखने को मिलता है। यहां पर रेगुलर पैटर्न की कोई खास आवश्यकता नहीं रहती। ओके, सो इट इज सीन इन स्किन। तो ज्यादातर जो कनेक्टिव टिश्यू है इनके एग्जांपल स्किन ही है। चाहे आप इनिशियल बात करें लूज कनेक्टिव टिश्यू की, तो एरियोलर एडिपोज दोनों बीनीथ द स्किन प्रेजेंट थे, यहां पर डेंस इररेगुलर की बात कर रहे हैं आप, तो भी ये स्किन में प्रेजेंट है। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू विच आर वेरी वेरी स्पेशल इन देयर ओरिएंटेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले तो बोन पे से क्वेश्चन आ जाएगा कि उसके अंदर फाइबर्स एब्सेंट है, एंड देन कार्टिलेज और ब्लड से क्वेश्चन आ जाएगा कि उसके अंदर फाइबर्स एब्सेंट है, एंड देन आपका कार्टिलेज एंड बोन से क्वेश्चन आ जाएगा, लैक्यूने पे क्वेश्चन पूछ लेगा, कार्टिलेज के जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं उस पर क्वेश्चन पूछ लेगा, बोन के जो ऑस्टियोसाइट है उस पर क्वेश्चन पूछ लेगा, एंड सो ऑन। देयर आर वैरायटी ऑफ थिंग्स व्हिच कुड बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो कार्टिलेज क्या होती है,
कार्टिलेज जो है यहाँ पर इंटरसेलुलर जो मटेरियल है यानी सेल के बीच का जो मटेरियल है ये कैसा है, ये मैट्रिक्स कैसी है, सॉलिड और प्लायबल, इस बात को गौर से सुनना। बोन और कार्टिलेज में क्या फर्क है, बोन के अंदर जो मटेरियल होता है, जो मैट्रिक्स होती है, ये सॉलिड होती है। बोन आपकी हड्डी है वो सॉलिड है, लिक्विड तो है नहीं जो बह जाएगी, ना आपकी जेल लाइक है, एकदम सॉलिड है, लेकिन वो नॉन प्लायबल है। बोन आपकी नॉन प्लायबल होती है मतलब मुड़ती नहीं है यहां पर, लेकिन जो कार्टिलेज है ये प्लायबल होती है, है तो ये सॉलिड लेकिन हल्की सी इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो इसके अंदर जो फॉर्म करते हैं कार्टिलेज को वो है कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स, एंड सिंस ये सॉलिड और प्लायबल है दे रेजिस्ट कॉम्प्रेशन, इनको आप एकदम पिचका नहीं सकते, मतलब थोड़ा बहुत ये प्लायबल होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, लेकिन आप इनको बिल्कुल जो है कंप्रेस नहीं कर सकते, बिल्कुल जीरो लेवल पे नहीं ला सकते, एक पतला पापड़ आप इनका नहीं बना सकते, एक पतली लेयर, एक पतली शीट नहीं बना सकते, मोटे हैं तो मोटे ही रहेंगे, राइट। सो दे आर सॉलिड एंड प्लायबल क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी इनके अंदर है, और ये कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स के बनते हैं। जैसे आपने कार्टिलेजिनस फिशेस पढ़ी थी एनिमल किंगडम के अंदर, उनके अंदर वर्ड क्या आ रहा था, कॉन्ड्रिक्थीस, बिकॉज वहां पर कॉन्ड्रो वर्ड वॉज इंपॉर्टेंट विच इज रिलेटेड टू कार्टिलेज। सिमिलरली जो बोनी फिशेज थी उनको आपने क्या बोला था, ऑस्टिक्थीस, क्योंकि ऑस्टियो इज अ वर्ड विच इज रिलेटेड टू बोन। तो यहां पर भी कार्टिलेज से एसोसिएटेड वर्ड क्या है, कॉन्ड्रो। तो यहां पर जो कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट है मेरे दोस्त, ये आपके किससे रिलेटेड हो जाएंगे, कार्टिलेज से रिलेटेड हो जाएंगे। तो कार्टिलेज जो सेल है इन्हें आप क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रो रिलेटेड टू कार्टिलेज, साइट का मतलब सेल। दे आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम, यानी सेंटर पे अगर एक कार्टिलेज का सेल है ना, तो अपने चारों ओर मैट्रिक्स खुद बनाता है, और इस मैट्रिक्स को इतना ज्यादा बना लेता है कि खुद इसके अंदर घेरा जाता है। यानी ये जो कार्टिलेज का सेल है, ये जो कॉन्ड्रोसाइट है, इसने मैट्रिक्स सिक्रीट करी और उस मैट्रिक्स के अंदर ये खुद जो है एनक्लोज हो गया। जैसे ये आपके कार्टिलेज सेल हैं जिनको आप कॉन्ड्रोसाइट बोल रहे हो, ओके, ये आपके कॉन्ड्रोसाइट है, इसने यहाँ पर मैट्रिक्स बनाई और इस मैट्रिक्स के अंदर ही खुद कैद हो गया, यानी अपने चारों ओर का जो इलाका है, चारों ओर का जो ग्राउंड सब्सटेंस है, मैट्रिक्स है, ये खुद बनाता है। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस बाय बोन्स इन अडल्ट्स, यानी हमारी जितनी कार्टिलेज होती हैं हमारे एम्ब्रियो के अंदर, उनमें से ज्यादातर आपकी बोन्स में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन कुछ कार्टिलेज अडल्ट्स में अभी भी देखने को मिलती हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम जो हमारा है, उस वर्टिब्रल कॉलम में आपको देखने को मिल सकते हैं कार्टिलेज। सो कार्टिलेज इज प्रेजेंट ऑन टिप ऑफ नोज, ये वाली कार्टिलेज होती है, आउटर ईयर, ये वाली कार्टिलेज होती है, जॉइंट्स जो है आपके वर्टिब्रल कॉलम में, यानी वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्राज हैं इनके बीच के जो जॉइंट्स हैं, ओके, उन हड्डियों के बीच के जो जॉइंट्स हैं वो भी कार्टिलेजनस होते हैं, एंड लिम्ब में और हैंड्स ऑफ अडल्ट में भी ये देखने को मिलते हैं, यानी जो बड़ी हड्डियां होती हैं उनमें इस प्रकार से कार्टिलेज आपको अटैच होती हुई दिखाई दी जाती है। ये आपके काफी बार ग्लास लाइक कार्टिलेज भी कहलाती है, जिसको हाइलिन कार्टिलेज भी आप लोग बोल सकते हैं, जिसको आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ेंगे। सो दिस इज योर कार्टिलेज। तो ये लंबी लंबी बोन्स में प्रेजेंट हो सकती है, जो कि आपकी लिम्ब्स की बोन्स होंगी। इसके अलावा नाक की टिप जो है और कान की जो आपका आउटर ईयर की जो कार्टिलेज है, दैट इज ऑल्सो सीन, एंड वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्राज के बीच में भी आपको कार्टिलेज देखने को मिलती है। इसके अलावा ज्यादातर जो कार्टिलेज थी आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, वो बोन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि हमारा एंडोस्केलेटन यूजुअली बोनी है, ओके? तो ये आपका कार्टिलेज के बारे में थोड़ा सा ज्ञान था। अब बोन जो है, इसकी अगर आप मैट्रिक्स की बात करें तो इट इज हार्ड एंड नॉन प्लायबल, यानी हार्ड तो है, सॉलिड तो है, लेकिन नॉन प्लायबल है, इसको तुम नहीं मोड़ पाओगे आप। जैसे नाक की तुम्हारी टिप है, ये कार्टिलेज है, इसको तुम थोड़ा बहुत क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत यू नो छेड़ सकते हो, इसकी शेप या फिर पोजीशन में चेंज ला सकते हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बोन, तो हड्डी को ऐसे थोड़ी मोड़ सकते हो तुम लोग। सो इट इज हार्ड एंड नॉन प्लायबल, जबकि कार्टिलेज आपकी थोड़ी बहुत प्लायबल थी, ओके? थोड़े बहुत इसमें चेंजेस के चांसेस होते हैं। ये आपकी नॉन प्लायबल इसीलिए होती है क्योंकि इसमें कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं एंड कोलेजन फाइबर, जो कि इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देते हैं, और बोन इतनी ज्यादा स्ट्रेंथी हो जाती है, ये आपकी पूरी बॉडी का वजन तक भी झेलती है। ये जो आपकी हड्डियां होती हैं, बड़ी वाली बोन्स, ये यूजुअली आपका वेट बियरिंग फंक्शन अदा करती हैं, ये आपकी बॉडी का पूरा वेट बियर करती है। आपकी बॉडी का जितना भी वजन है वो इन हड्डियों पर ही टिका हुआ होता है, आपकी बॉडी का जो पूरा ढांचा है वो नीचे वाली हड्डियों पर ही रुका हुआ होता है। तो जैसे आपके कार्टिलेज के अंदर सेल्स थे कॉन्ड्रोसाइट, वैसे ही बोन के अंदर, ऑस्टियो वर्ड इज फॉर बोन, तो ऑस्टियोसाइट सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, और ये भी आपका लैकुने नाम के स्पेसिस के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। जैसे सेंटर पे आपका कॉन्ड्रोसाइट था, उसने अपने चारों ओर मैट्रिक्स बना ली थी ना, ऐसे यहां पर जो है बोन का सेल सेंटर पे प्रेजेंट रहेगा, जिसको आपने ऑस्टियोसाइट बोला,
और इसके चारों ओर जो है यहाँ पर इस प्रकार से मैट्रिक्स आपकी बन जाएगी। इस मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हो, लैकुने बोलते हो। ओके, ये जो स्पेसेस है इनको आप लैकुने बोलते हो। ओके, जो कि एक्चुअल में ऐसी दिखाई देती है। सेंटर पे आपका ऑस्टियोसाइट है, ऑस्टियोसाइट है, एंड इसके चारों ओर जो है ये आपकी कैविटी, ये आपकी मैट्रिक्स है, डन। ये आपकी बोन है, डन। फंक्शन क्या होते हैं बोन के, ये आपकी बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड करता है। 206 हड्डियां हैं जो कि आपकी पूरी की पूरी बॉडी को एक फ्रेम तैयार करती है। इसी के ऊपर आपकी मसल्स अटैच होती हैं एंड इसके अंदर ही आपको वो ढांचा मिलता है जिसके अंदर आपके ऑर्गन्स बेहतर तरीके से फिट हो पाए। सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यूज, जैसे कि आपका ब्रेन है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए क्या है आपके पास, क्रेनियम है। यह क्रेनियम है आपकी ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। सिमिलरली आपकी बक्कल कैविटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पर जॉज है, जबड़े हैं। आपके दिल को प्रोटेक्ट करने के लिए, लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन है आपका, यहाँ पर रिब केज। आपकी रीढ़ की हड्डी है आपको पीछे से सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एज वेल एज आपके प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पर क्या है, आपको प्रोटेक्शन के लिए अच्छा खासा फ्रेमवर्क भी देखने को मिलता है। लिम्ब बोन्स जो है, जैसा मैंने आपको बताया, हाथ और पैर की बोन्स, ये वेट बियरिंग फंक्शन अदा करती हैं आपकी ज्यादातर एनिमल्स के अंदर, क्योंकि हम तो बायपेडल लोकोमोशन शो करते हैं, यानी हमारे दो पैर हैं तो हम दो पैरों से चलते हैं। तो बाय का मतलब दो, पैडल मतलब पॉड, यानी हम दो पैरों पे चलते हैं। लेकिन काफी सारे जानवर हैं जो कि चार पैरों पे चलते हैं, जैसे शेर है, खरगोश है, हिरन है, तो उनके चारों के चारों जो लिम्स हैं उनके अंदर वेट बियरिंग फंक्शन की कैपेसिटी होती है। हमारा ज्यादातर वेट जो हमारी टांगों पे होता है, हाथ पे हम नहीं चलते, लेकिन बाकी सारे जानवर यूजुअली चार पैरों पे ही चलते हैं। तो उनके अंदर जो है चारों के चारों लिम्स आपकी इक्वली वेट बियर करने की कैपेसिटी, इक्वली वेट बियर करने का पोटेंशियल रखती है। द टेक पार्ट इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, यानी आप अगर अपने हाथ पैरों को मूव कर रहे हैं, देन दैट इज मूवमेंट। मैं अपने हाथ हिला रहा हूं, दैट इज मूवमेंट। लोकोमोशन मतलब मैं चल के जा रहा हूं, मैं यहां पर चल के गया, मैं चल के वापस आया, दैट इज लोकोमोशन। तो लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या फर्क है, लोकोमोशन में लोकेशन चेंज होती है, यानी मैं कहीं पर चल के गया हूं, मैं कहीं से चल के आया हूं, दैट इज लोकोमोशन, मेरी पोजिशन चेंज हो गई। मूवमेंट मतलब मेरी हाथ की मूवमेंट भी मूवमेंट है, मेरी जबान की मूवमेंट भी खाना खाते टाइम एक मूवमेंट है, मेरी गर्दन की मूवमेंट भी मूवमेंट है। इसमें मैं नहीं भी चल रहा तो भी ये मूवमेंट में ही काउंट होंगे, यानी अगर मैं अपनी गर्दन हिला रहा हूं देन दैट इज अ मूवमेंट, दैट इज नॉट लोकोमोशन। मैंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, मैं वहीं पे खड़ा हूं, लेकिन अगर मैं चल के गया और मैं चल के आ गया, दैट इज लोकोमोशन। तो लोकोमोशन से आप याद कर सकते हैं, लोकोमोशन लोकेशन से मिलता जुलता शब्द है, तो इसमें लोकेशन चेंज होती है, राइट। ब्लड सेल जो है ये आपके बोन मैरो से बनते हैं। यहां पर देखो आपको रेड बोन मैरो देखने को मिल रही है। रेड बोन मैरो क्या करती है, एरिथ्रोपोइसिस भी शो करती है, किडनी भी इसमें आपकी काफी ज्यादा हेल्प करती है। तो काफी सारे जो ब्लड सेल्स हैं वो यहां से आपको बनते हुए दिखाई दे जाते हैं, राइट। एंड येलो बोन मैरो जो है लॉन्ग बोन्स की इस सेंट्रल रीजन पे पाए जाते हैं, जबकि रेड बोन मैरो आपके इस इलोंगेटेड पार्ट में पाए जाते हैं। ओके, तो रेड बोन मैरो जो है इट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ लॉट ऑफ ब्लड सेल्स। थर्ड जो आपका स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, इसको आप ब्लड ही बोलते हैं, जिसके अंदर फाइबर्स एब्सेंट है। तो यहां पर क्या हुआ, ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये बहता है, तो इसके अंदर प्लाज्मा है। प्लाज्मा मतलब, प्लाज्मा क्या होता है, 90 से भी ज्यादा परसेंट, मोर देन 90% जो इसका कंटेंट है ये वाटर ही होता है। तो प्लाज्मा को नॉर्मली बोल सकते हो वाटर, जिसके अंदर कुछ इक्के दुक्के आपके सेल्स और काफी कॉम्पोनेंट्स आपके प्रेजेंट हो सकते हैं, कुछ प्रोटीन्स आपके प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, एरिथ्रोसाइट जिन्हें आप बोलते हैं, एरिथ्रो का मतलब ही होता है रेड। सिमिलरली आपके व्हाइट ब्लड सेल हैं जिनको आप ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ल्यूको का मतलब ही होता है कलरलेस या फिर व्हाइट। एंड प्लेटलेट आपके प्रेजेंट है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपके ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। ब्लड क्या करता है, इट हेल्प्स इन द सर्कुलेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, आपके चाहे गैसेज हों, आपके चाहे टूटे हुए फूड के पार्टिकल्स हों, उन सबको आपके अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, आपका ब्लड करता है। सो इट इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड इन योर बॉडी, इट इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड इन योर बॉडी, मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड इन योर बॉडी, राइट। तो यही आपकी बॉडी के अंदर सारी की सारी चीजों को ले करके जाता है। जैसे कि यहां पर देखो आरबीसी जो है ये कैसी शेप की है, बाय कनकेव डिस्क लाइक, ओके, डिस्क जैसी है, 2D डिस्क जैसी है, लेकिन बाय कनकेव है, जैसे कि आपने आटा गूंदा और उसके बीच में एक अंगूठे से डिप्रेशन बना दिया, इस प्रकार की बाय कनकेव आपकी शेप है आरबीसी की, ये वो डिप्रेशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं।
ओके, प्लेटलेट है, छोटे छोटे सेल्स, सेल भी नहीं, आप इन्हें सेल के पार्ट्स बोल सकते हैं। WBC जो है इन्हें व्हाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ये आपके अलग अलग शेप के हो सकते हैं, तो इनको अमीबॉइड भी बोल दिया जाता है। काफी बार इन वैरायटी ऑफ बुक्स दे आर टोल्ड टू बी अमीबॉइड, राइट। और ये आपके सेल के सारे फ्रेगमेंट है। इनके अंदर देखो ये वाले जो है आपके रेड ब्लड सेल्स है जिनकी शेप ऐसी दिखाई दे रही है, ओके। ये वाले आपके व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जिनके बारे में हमने बात की अभी। तो व्हाइट ब्लड सेल्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। देर आर अ लॉट ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स दैट यू आर गोइंग टू सी। ए ग्रेनुलोसाइट अलग होते हैं, ग्रेनुलोसाइट अलग होते हैं, फिर बेसोफिल होते हैं, न्यूट्रोफिल होते हैं, इओसिनोफिल होते हैं, लिम्फोसाइट होते हैं, मोनोसाइट हो सकते हैं। अ लॉट ऑफ सेल्स आर देयर जो कि सारे आपको यहाँ पर दिखाए हुए हैं, लेकिन इनके बारे में डिटेल स्टडी और इनके शेप की डिस्कशन आप करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर के अंदर। यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको ये इमेज इसीलिए दिखाई है जिससे कि आप एक बार रिकैपिचुलेट कर पाए सारे के सारे पार्ट्स को फ्यूचर के अंदर, बिकॉज ये सेम स्लाइड हम लोग आगे भी यूज करेंगे इन चैप्टर 18 ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो गाइज, अब बात आती है मस्कुलर टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू में हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू देखे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू देखे एंड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू देखे। अब मस्कुलर टिश्यू में भी हम तीन अलग अलग टाइप की मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। द वेरी फर्स्ट मसल दैट वी आर गोइंग टू पॉन्डर ऑन इज स्केलेटल मसल। तो यहाँ पर जो फर्स्ट मसल हम लोग पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्केलेटल मसल। जैसा मैंने आपको बताया था, नाम ही है स्केलेटल मसल, तो ये आपकी बोन्स के साथ अटैच्ड होगी, आपके स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच्ड होगी एंड दे आर गोइंग टू बी वॉलेंटरी, यानी आप इन्हें खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ मसल्स आर गोइंग टू बी स्मूद मसल्स, जिन्हें आप विसरल मसल्स कहते हो, यानी कि ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स या विसरल ऑर्गन्स के अंदर पाई जाएंगी। एंड द थर्ड टाइप ऑफ मसल इज कार्डियक मसल। सिंस द कार्डियक वर्ड स्टैंड्स फॉर हार्ट, तो ये वाली जो आपकी मसल्स हैं ये स्पेसिफिकली आपको हार्ट में देखने को मिलेंगी। मसल की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती है, तभी ये मूवमेंट में हेल्प करती है। तो जब आप चलेंगे तो आपकी स्केलेटल मसल काम में आएंगी। तो स्केलेटल मसल इस हिसाब से अपने आप को क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। दोनों जो एजेस हैं ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं और बाद में रिलैक्स हो जा रही है। तो इसी प्रकार से जो आपका मायोफाइब्रिल है, जो आपका मायोफिलामेंट है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा और अपने आप को रिलैक्स करेगा। तो मसल के जो फाइबर्स हैं जब वो अपने आप को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मसल की मूवमेंट स्टार्ट होने लग जाती है, और जब मसल मूव करती है तो अल्टीमेटली आप भी लोकोमोशन कर सकते हैं, आप भी अपनी बॉडी में अलग अलग प्रकार की मूवमेंट्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले मसल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं उस बारे में जानते हैं, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल दीज थ्री टाइप ऑफ मसल्स, ओके? तो सबसे पहले जो मसल टिश्यू है ये आपका दिखता कैसा है? देखो यार, यहां पर ये जो आपका फाइबर है इट इज कॉल्ड एज मसल फाइबर। तो आपकी जो मसल है इसमें काफी सारे मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये जो टिश्यू है ये काफी सारे मसल फाइबर्स का बनेगा, यानी मसल सेल्स का बनेगा। और ये जो बड़ा मसल फाइबर है ना, इसके अंदर भी छोटे छोटे फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको आप क्या बोलते हो, मायोफाइब्रिल्स। मायो वर्ड स्टैंड्स फॉर मसल, तो आप इन्हें मसल फाइब्रिल्स भी बोल सकते हो। यानी एक जो आपकी बड़ी मसल है उस बड़ी सी मसल के अंदर काफी सारे मसल फाइबर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, और एक मसल फाइबर के अंदर भी काफी सारे मायोफाइब्रिल्स आपके प्रेजेंट हो सकते हैं, और इनके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं मायोफिलामेंट, जिसमें एक्टिन और मायोसिन नाम के प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, जो मैंने आपको इनिशियल स्लाइड के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करते हुए और रिलैक्स करते हुए दिखाए, वो एक्चुअल में आपके एक्टिन और मायोसिन नाम के प्रोटीन थे। यहां पर ये जो प्रोटीन्स है ना, दे आर एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। दीज प्रोटीन्स दैट वी वर लाइक टॉकिंग अबाउट, दे आर एक्टिन एंड मायोसिन। सो जब आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर पढ़ते हैं इन योर NCERT, तो आपको वहां पर एक्टिन और मायोसिन किस प्रकार से मूव करते हैं वो मैकेनिज्म जानने का मौका मिलता है, जिस मैकेनिज्म को आप स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी नाम के टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। तो यहां पर जो मसल है इसमें काफी सारे मसल फाइबर है, जो काफी सारे मसल फाइबर है इनमें भी फर्दर आपके क्या है, मायो फाइब्रिल्स हैं, और इन मायो फाइब्रिल के अंदर भी एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है जो कि मायोफिलामेंट नाम के और भी पतले पतले स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये एक पूरा मसल फाइबर है इस मसल का, इसके अंदर ये एक मायोफाइब्रिल है, और इसमें भी जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे छेद जो दिखाई दे रहे हैं, दीज आर मायोफिलामेंट्स, मायोफिलामेंट्स जो कि एक्टिन और मायोसिन के मिलकर के बने हों, राइट? तो ये जो मसल फाइबर्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, यानी अपने आप को छोटा भी कर सकते हैं, एज वेल एज जब ये रिलैक्स होते हैं नॉर्मल स्टेट में जाते हैं तो इनकी लेंथ बढ़ जाती है। यानी समझ लीजिए ये एक मसल है,
या अगर एक मसल है तो ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो छोटी हो जाएगी, एंड जब रिलैक्स करेगी तो नॉर्मल स्टेट में चली जाएगी। यानी इस हिसाब से जब मसल अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है तो मसल का मूवमेंट होता है और इससे एसोसिएटेड पूरे पार्ट का जो है मूवमेंट हो जाए। यानी अगर मैं अपने हाथ को ऐसे मोड़ता हूं तो ये वाली बाइसेप की जो मसल है ये अब कॉन्ट्रैक्ट होगी और आपको इसका साइज चेंज होता हुआ दिख जाए। तो अल्टीमेटली इसी हिसाब से मसल्स ही हेल्प करती हैं आपकी मूवमेंट में। तो जो लोकोमोशन है जिसमें आपकी लोकेशन चेंज होगी, इसमें भी आपके हाथ और पैर की मसल्स का रोल है। एंड जो मूवमेंट है, चाहे आपकी हाथ की मूवमेंट हो, चाहे रिस्ट की मूवमेंट हो, चाहे फिंगर की मूवमेंट हो, इन सारी मूवमेंट्स में भी आपके मसल्स का इंपॉर्टेंट योगदान आपको देखने को मिलता है। नाउ द टाइप ऑफ मसल्स, तीन अलग अलग टाइप की मसल्स हैं। स्केलेटल जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रही है, बाइसेप जो कि आपकी स्केलेटल मसल है, ये वॉलेंट्री मसल कहलाती है। वॉलेंट्री मसल मतलब आपका ऑर्डर इसमें चल जाता है, आपका ऑर्डर जो है वो मैटर करता है यहां पर। स्मूथ मसल जो होती हैं ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, ओके। एंड ये नॉन स्ट्रिएटेड होती हैं, यानी इनके ऊपर कोई स्ट्रिएशंस देखने को नहीं मिलती। यानी आप अगर स्केलेटल मसल को बनाएंगे तो इनके ऊपर इस प्रकार की आपको लाइनिंग देखने को मिल जाएगी। इन लाइनिंग्स को आप क्या बोलते हैं, स्ट्रिएशंस। इस प्रकार की स्ट्रिएशंस आपको देखने को मिलती हैं स्केलेटल मसल के अंदर। लेकिन जब आप स्मूथ मसल बनाएंगे तो यहां पर आपको कोई स्ट्रिएशन देखने को नहीं मिलेंगी, इसीलिए इनका नाम स्मूथ है। इनमें कोई भी इस प्रकार की लाइनिंग्स नहीं प्रेजेंट है, ओके। इनमें इस प्रकार की कोई भी लाइनिंग्स नहीं प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इन्हें क्या बोला गया, स्मूथ बोला गया। स्मूथ के साथ साथ इन्हें फ्यूजी फॉर्म भी बोला जाता है, क्योंकि ये ऊपर और नीचे से पतली होती है और बीच में से मोटी होती है। तो ये वाले एंड्स जो है इन्हें टेपर्ड एंड्स कहा जाता है, राइट। कि इनके एंड जो है ये चिपके हुए हैं, तो जो एंड्स हैं ये आपके टेपर्ड है यहां पर, ओके। यहां पर ये जो है ये भी आपका टेपर्ड एंड है, जबकि बीच में जो न्यूक्लियस कंटेनिंग एरिया है ये आपका थोड़ा सा मोटा है, ये आपका थोड़ा सा थिक है। तो इसीलिए इन्हें फ्यूजी फॉर्म कहा जाता है, यानी ऊपर और नीचे से पतली और बीच में से आपकी मोटी। और क्योंकि आपके इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है तो इन्हें विसरल मसल भी कहा जाता है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सो इट इज नॉन स्ट्रिएटेड प्लस इट इज नॉन वॉलेंटरी, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तीसरी जो टाइप ऑफ मसल है यह है आपकी कार्डियक मसल, जो कि आपके हार्ट में देखने को मिले। और हार्ट में आपके स्ट्रिएशंस तो हैं ही, इसके साथ आपको इंटरकैलेटेड डिस्क भी देखने को मिलती है। तो इंटरकैलेटेड डिस्क क्या होती है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ मसल इज स्केलेटल। स्केलेटल क्यों बोला, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम से अटैच है, यानी बोन से अटैच है। सो दे आर अटैच टू बोन, इसीलिए इन्हें स्केलेटल बोला। फॉर एग्जाम्पल बाइसेप, ये बात क्लियर हो गई। दूसरा इन्हें बोला स्ट्रिएटेड। स्ट्रिएटेड क्यों बोला, क्योंकि इनके ऊपर स्ट्रिएशंस प्रेजेंट हैं मसल फाइबर के ऊपर। तो ये अगर आपकी मसल है जो मसल फाइबर से बनी हुई है, ये मसल फाइबर मैं यहां पर बना रहा हूं, तो इन मसल फाइबर में स्ट्रिएशंस है, जो काले काले इस प्रकार के डॉट्स हैं, ये छोटी छोटी लाइंस हैं विच आर फॉर्मिंग द स्ट्रिएशन। सो ये जो है आपकी स्ट्रिएशंस हैं जो कि यहां पर देखने को मिल गए, ओके। मसल फाइबर जो है ये फिर साथ में एक बंडल के तौर पर प्रेजेंट होती है और पैरेलली अरेंज रहती है। जैसे ये एक मसल फाइबर है, 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 तो ये चारों जो मसल फाइबर हैं ये आपकी पैरेलली अरेंज हो रखी हैं। और इनके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की शीत लगी रहती है, तो एक टोटल बड़ी शीत रहेगी टफ कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि इन सारे मसल फाइबर्स को क्या करती है, एनक्लोज करती है। तो इस प्रकार की एक शीत रहेगी जो इन सबको एनक्लोज करती है, तो ये क्या है आपका कनेक्टिव टिश्यू की शीत, जिसने इस मसल को, स्ट्रिएटेड मसल को क्या किया हुआ है, एनक्लोज किया हुआ है। तो यहां पर देखो ये आपका एक मसल फाइबर है, ओके। इसके अंदर से आपका क्या निकला, मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल के अंदर आपका मायोफिलामेंट है, जिसमें एक्टिन और मायोसिन आपके लगे हुए हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं, ओके। सो इसे स्ट्रिएटेड क्यों बोला, क्योंकि इस पर स्ट्रिएशन है, इस पर इस प्रकार के मार्क्स हैं, ओके। इस पर इस प्रकार की मार्क्स लगे हुए हैं। स्केलेटल क्यों बोला, क्योंकि बोन के साथ एसोसिएटेड है। एंड वॉलेंट्री क्यों बोला, क्योंकि हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हमारा बाइसेप, आप इसे कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी कर सकते हैं, राइट। अगला देखो स्मूथ मसल। अब स्मूथ जो है इसे स्मूथ क्यों बोला, क्योंकि इसके ऊपर स्ट्रिएशंस नहीं है, नो स्ट्रिएशन, तो ये एकदम स्मूथ दिखती है, इसके बीच में कोई भी इस प्रकार की स्ट्रिएशंस नहीं है। तो यहां पर देखो एकदम अच्छे से आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ऊपर और नीचे से टेपर्ड एंड्स हैं, बीच में से थोड़ा मोटा आपका सेल है, तो कैसा आपका सेल देखने को मिल रहा है, इस प्रकार का। कोई स्ट्रिएशन नहीं है, नॉन स्ट्रिएटेड, तो स्मूथ इसका नाम हो गया। सेंटर पे न्यूक्लियस है, ये वाला इलाका मोटा है और ये दोनों एंड्स जो है टेपर्ड है, पतले हैं। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है,
फ्यूजीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म मतलब दोनों एंड पतले पतले, सेंटर आपका मोटा, और इनवॉलंटरी क्योंकि ये स्मूथ मसल फाइबर्स है, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की मूवमेंट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके स्टमक में यहाँ पर जो पेरिस्टेल्सिस होगी इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इनकी जो मसल्स हैं ये स्मूथ मसल्स कहलाती हैं। एज वेल एज इन्हें विसरल मसल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये विसरल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं, यानी इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती है। नाउ नो स्ट्रिएशंस आर देयर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्मूथ, तो नाम के अंदर ही पूरा का पूरा कंसेप्ट है। सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल टुगेदर इन कनेक्टिव टिश्यू शीथ, यानी जो सारे के सारे आपके फ्यूजीफॉर्म फाइबर्स हैं इनको साथ कनेक्ट किया जाता है, और जिस हिसाब से आपके स्केलेटल मसल फाइबर्स को एक कनेक्टिव टिश्यू की शीथ एनक्लोज कर रही थी ओवरऑल, वैसे यहां पर भी ये जो फाइबर्स होंगे इन सबको एक कनेक्टिव टिश्यू की शीथ एनक्लोज कर लेगी, यहां पर भी एक कनेक्टिव टिश्यू की शीथ आपको देखने को मिल जाएगी। तो कहां कहां पर देखने को मिलेंगे आपको स्मूथ मसल फाइबर्स, दे आर सीन इन वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं उनके अंदर जो बोन से अटैच नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ब्लड वेसल्स के अंदर, क्योंकि ब्लड वेसल्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, स्टमक के अंदर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इंटेस्टाइन के अंदर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी कोई भी एग्जाम्पल याद नहीं करना है, जो भी कंट्रोल नहीं कर सकते हार्ट के अलावा आप, वो सारी की सारी स्मूथ मसल सेल्स के अंदर आएंगे। थर्ड आता है आपका कार्डियक मसल, यानी सिंपल सी बात है हार्ट इसके अंदर एक बेहतर एग्जाम्पल होगा, कार्डियक का मतलब ही होता है हार्ट। तो यहां पर ये भी इनवॉलंटरी है, यानी इसकी भी मोशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके पैदा होने से लेकर आपकी मृत्यु तक आपका हार्ट हमेशा क्या करता रहेगा, धड़कता रहेगा, यह हमेशा जो है ब्लड को पंप करता रहेगा, हमेशा ही ब्लड को पंप करता रहेगा क्योंकि सर्कुलेशन की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। ये वाली मसल्स आपको सिर्फ और सिर्फ हार्ट में मिलती है, तो इसका भी आपको कोई एग्जाम्पल याद नहीं करना है। सेल जंक्शंस जो है ये फ्यूज कर देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को ऑफ द सेल्स एंड दे मेक देम स्टिक टुगेदर, आपका हार्ट जो है ये हमेशा एज ए यूनिट कॉन्ट्रैक्ट करता है, अलग अलग मसल्स यहां पर अलग अलग तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, तो इनको एज ए यूनिट कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए क्या चीज आवश्यक है, एज ए यूनिट इन्हें कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए सारी मसल्स आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए, तो इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, इंटरकैलेशन, इसे आप बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क या फिर कम्युनिकेशन जंक्शन, यानी जितने भी यहां पर मसल्स है ना, जितने भी यहां पर मसल फाइबर है इन सबको सेंटर पे से ये वाली जो डिस्क है ये कनेक्ट कर देगी, इसे इंटरकैलेटेड डिस्क बोला जाता है। तो ये एक मसल फाइबर था, ये एक मसल फाइबर था, इन दोनों को ये वाली इंटरकैलेटेड डिस्क और ये वाली इंटरकैलेटेड डिस्क ने कनेक्ट कर दिया, तो अब एक मसल फाइबर हिलेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली हिल जाएगा। तो यहां पर भी आपके काले काले बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, यानी यहां पर भी स्ट्रिएशन है, तो इसीलिए आपने इसे स्मूद नहीं बोला, ये भी स्ट्रिएटेड है, और यहां पर ये जो जंक्शंस हैं ये भी प्रेजेंट है, यानी इंटरकैलेटेड डिस्क भी आपकी देखने को मिल रही है जो अलग अलग मसल फाइबर्स को साथ में कनेक्ट कर रही है और हार्ट को एज ए यूनिट कॉन्ट्रैक्ट कराने पे फोकस कर रही है। सो हार्ट एज ए यूनिट क्यों फोकस कर पाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरकैलेटेड डिस्क। सो जब एक सेल है उसमें सिग्नल आएगा तो वो सिग्नल ऑटोमेटिकली नेबरिंग सेल्स में भी चला जाएगा ड्यू टू इंटरकैलेटेड डिस्क, और पूरा का पूरा हार्ट एक बार में ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आपके कार्डियक मसल फाइबर की खासियत। Now the last type of tissue is neural tissue, fourth type of tissue. Epithelium पढ़ चुके हैं हम लोग, यानी epithelial tissue पढ़ चुके हैं, connective tissue पढ़ चुके हैं, muscular पढ़ चुके हैं, अब neural tissue की बारी आती है। Neural tissue के अंदर सबसे important जो cell है that is called as your neuron. Neuron में जहां से signal आता है, neuron में जहां से signal आता है यहां से, okay, entry का sign बना देता हूं, इन पर्टिकुलर projections को आप क्या कहते हैं, इन पर्टिकुलर projections को आप कहते हैं dendrite. Okay, these particular projections are called as dendrites. Dendrites के बाद आपका जो सिग्नल है ये मेन सेल में चला जाता है जहां पर आपके न्यूक्लियस वगैरह भी प्रेजेंट है, ऑर्गेनल्स वगैरह भी प्रेजेंट है। ये जो आपका मेन सेल है जिसमें सिग्नल चला गया इसे आप क्या बोलते हो, साइटोन, साइटोन का मतलब वैसे भी सेल रहता है, इसे आप बॉडी ऑफ न्यूरॉन भी बोल सकते हैं या सेल बॉडी भी बोल सकते हैं, अलग अलग टर्म्स इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। सेल बॉडी के बाद सिग्नल आपका दूसरे एंड पर जाने की कोशिश करता है, तो ये जो आपकी रिज है, ये जो आपका पाइप लाइक स्ट्रक्चर है इसे आप क्या बोलते हैं, इसे आप एक्सॉन बोलते हैं, दिस इज योर एक्सॉन। और न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने के लिए आपके सेल्स प्रेजेंट होते हैं चारों ओर, जिनको आप क्या बोलते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स बोलते हैं, जिन्हें प्यार से न्यूरोग्लिया भी कहा जाता है। तो ज्यादातर जो सेल्स होते हैं सपोर्टिव ही होते हैं, यानी न्यूरोग्लिया आपके न्यूरल टिश्यू का मोर देन 50% पार्ट बनाता है और लेस देन 50% पार्ट ही आपके न्यूरॉन्स होते हैं, राइट। तो यहां पर देखो हमें क्या देखने को मिला, यहां पर आपका जो न्यूरल टिश्यू है ये न्यूरॉन से मिलकर बना है, इसीलिए इसे न्यूरल टिश्यू के अलावा न्यूरोनल टिश्यू भी कहा जाता है।
तो न्यूरॉन्स जो है ये न्यूरल सिस्टम की बेसिक यूनिट है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपकी बॉडी में जो भी सिग्नल आते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। पहला आपका एंडोक्राइन सिग्नल, एंडोक्राइन मतलब हार्मोन से रिलेटेड। जैसा मैंने आपको बताया था, समझ लीजिए मेरे पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक हार्मोन सिंथेसाइज किया और उसे जाकर के अटैक करना है पैनक्रियाज के ऊपर, तो यहां पर जो हार्मोन बना उसे ब्लड में रिलीज कर दिया गया और वो सीधा जाकर के मेरे पैनक्रियाज के रिसेप्टर के पास पहुंच जाएगा और कहेगा कि भाई साहब मुझे एंट्री दे दो, और वो हार्मोन जो है अपना काम वहां पर कर देगा। दिस इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन, जो कि आप 22nd चैप्टर में पढ़ेंगे, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। दूसरे प्रकार का जो कोऑर्डिनेशन है वो आप 21st चैप्टर में पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसा मैंने आपको बताया, यहां से सिग्नल आता है डेंड्राइट से और ट्रेवल कर जाता है इस एक्सॉन से होता हुआ नर्व एंडिंग तक, और फिर दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल दे देता है तीसरे न्यूरॉन को, और इस हिसाब से आपकी पूरी बॉडी में वायर्स फैले हुए हैं। इस प्रकार की वायरिंग आपकी पूरी बॉडी के अंदर हो रखी है, और ये जो वायर्स है मेरे दोस्त, ये आपके एंड में किसके पास चले जाते हैं, किसी स्पेसिफिक ऑर्गन के पास या किसी स्पेसिफिक ग्लैंड के पास। ग्लैंड के पास जाकर उसे सिक्रीशन का ऑर्डर दे देंगे या सिक्रीशन बंद करने का ऑर्डर दे देंगे, किसी ऑर्गन के पास जाकर, किसी मसल के पास जाकर उसे कॉन्ट्रैक्ट होने का ऑर्डर दे देंगे, उसे कॉन्ट्रैक्शन बंद करने का ऑर्डर दे देंगे। तो इस हिसाब के पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल न्यूरॉन से ट्रांसफर हो सकते हैं, इसे आप न्यूरॉनल सिग्नल या फिर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं, राइट। तो यहां पर क्या करते हैं, हम एक स्लाइड ले लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिक प्रोटोटाइप तैयार कर लेते हैं। ऑलराइट, यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपका न्यूरॉन दिखाई देता है। ये जो न्यूरॉन है इसमें काफी सारी ऐसी प्रोजेक्शंस रहती हैं अपवर्ड एंड पर, विच आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। नाउ दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज डेंड्राइट। ये वाली, ये डेंड्राइट है, ये डेंड्राइट है, ये डेंड्राइट है एंड ये डेंड्राइट है, यहां से सिग्नल आपका एंटर करता है। सो दीज आर द एंट्री पॉइंट्स फॉर एनी काइंड ऑफ सिग्नल और एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस। ओके, समझ लीजिए मेरे उंगली पर ये पेन चुप गया, तो यहां से सिग्नल जाएगा, ये सेंसरी सिग्नल जाएगा, मेरी उंगली ने सेंस कर लिया कि मुझे चोट लगी है, तो सेंसरी सिग्नल ब्रेन के पास जाएगा और ब्रेन में इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी। ओके, तो सिग्नल लेकर जाने वाले सेंसरी कहलाते हैं, ब्रेन में जाएंगे, इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी एंड अल्टीमेटली मेरा ब्रेन सिग्नल देगा कि भाई उंगली को पीछे हटा लो, अदरवाइज आपको और ज्यादा यहां पर जो है पेन का सामना करना पड़ सकता है। तो ब्रेन से कुछ न्यूरॉन्स सिग्नल लेकर आएंगे उंगली के पास, जिन्हें आप मोटर न्यूरॉन्स बोलते हो। मोटर न्यूरॉन्स मतलब जो आपकी मसल्स को या आपकी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते हैं। तो मोटर न्यूरॉन्स उंगलियों के पास सिग्नल लेकर आए कि भाई उंगली पीछे हटा लो। तो यहां पर जो सिग्नल लेकर जा रहे हैं ये आपके सेंसरी हैं, ब्लड से। तो यहां पर डेंड्राइट से सिग्नल गया, डेंड्राइट से सिग्नल गया कहां पहुंचा, इस सेंट्रल पार्ट के पास। इस सेंट्रल पार्ट में ये आपका न्यूक्लियस है एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज साइटॉन, जिसको आप सेल बॉडी भी बोलते हो या फिर सोमा भी बोलते हो, सेल सोमा भी बोलते हो। सोमा का मतलब ही बॉडी होता है। यहां से सिग्नल आपका सोमा से होते हुए कहां पर गया, आपका एक्सॉन में गया। ये जो आपका लंबा सा पार्ट है इसे आपने एक्सॉन बोल दिया। एक्सॉन के बाद यहां पर ये आपके एंड बल्ब में चला जाएगा, इसे आप क्या बोलते हो, नर्व एंडिंग बोलते हो। नर्व खत्म हो गया ना यहां पर, न्यूरॉन खत्म हो गया, तो इट इज नर्व एंडिंग। ओके, एंड ये आपके बल्ब है, ये आपके बल्ब है। अब इनसे क्या कर सकता है, सिग्नल एक और न्यूरॉन को दे सकता है। ओके, सिग्नल एक और न्यूरॉन को दे सकता है। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे न्यूरॉन एंड फाइनली ये जो सिग्नल है आखिरी न्यूरॉन से कहां पर चला जाएगा, किसी ग्लैंड के पास या फिर किसी ऑर्गन के पास। ग्लैंड के पास चला जाएगा या किसी ऑर्गन के पास चला जाएगा, यहां पर ऐसे। ओके, तो सिग्नल की डायरेक्शन क्या है, डेंड्राइट सबसे पहले सिग्नल पकड़ेगा साइटॉन के पास, साइटॉन से फिर आपका एक्सॉन के पास, एक्सॉन से नर्व एंडिंग से होता हुआ यहां पर कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे जिनको आप बोलते हो न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर यहां पर सिग्नल दे देंगे अल्टीमेटली एक्सॉन से पास होता हुआ नर्व एंडिंग के पास, देन ग्लैंड या ऑर्गन के पास, जहां पर फाइनली सिग्नल क्या हो जाएगा, आपका रिसीव हो जाएगा और आपका एक काम जो है यहां पर, जो भी इंस्ट्रक्शन न्यूरॉन को मिली होगी वो काम यहां पर आपका फुलफिल हो जाएगा। तो ये आपका न्यूरॉन करता है। तो न्यूरॉन्स जैसा कि आपने देखा एक्साइटेबल होते हैं क्योंकि इनको आप कोई सिग्नल या फिर कोई पर्टिकुलर कमांड दे सकते हो। तो ये इंपल्सिस कैरी करते हैं। ये इंपल्सिस दो तरीके के हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस और एक केमिकल इंपल्स। इलेक्ट्रिकल, यहां से यहां पर जो सिग्नल जाता है ना एक्सॉन में,
वो इनकी मेम्ब्रेन पोटेंशियल से जाता है, यानी प्लस माइनस के चार्ज जो है यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं, इसे आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलते हो। और जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल जाता है ना, इनके बीच में गैप था, नर्व एंडिंग और अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में गैप था, वहां पर केमिकल के थ्रू जो है आपका इम्पल्स जाता है वाया न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि मैंने आपको अभी बनाकर दिखाया था। न्यूरॉन्स जो है इनको सपोर्ट करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सारे सेल्स होते हैं, जिनको आप न्यूरोग्लियल सेल्स बोलते हो, जो कि हमने यहाँ पर इस प्रकार से डिपिक्ट किए हुए हैं, और ये ज्यादातर वॉल्यूम बनाते हैं आपके न्यूरोनल टिश्यू की। तो न्यूरोग्लिया या न्यूरोग्लियल जो सेल्स है, ये आपकी मोर देन हाफ यानी मोर देन 50% वॉल्यूम बनाते हैं आपकी न्यूरल टिश्यू की। यानी आपको लगता है कि सबसे ज्यादा अबंडेंट वॉल्यूम में आपके न्यूरॉन्स हैं न्यूरोनल टिश्यू में, बट ऐसा नहीं है। न्यूरोग्लिया टिश्यू जो है, जो इनको सपोर्ट और प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी अमाउंट ज्यादा है, क्योंकि एक बार अगर न्यूरॉन डेड हो गया तो बार बार नहीं बनता, ये आपके नॉन रीजनरेटेबल है, इनको आप रीजनरेट नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने अपने नर्व सेल्स को खो दिया तो खो दिया, ये रीजनरेट नहीं होते, आप अलग से भी इनको नहीं ले सकते, राइट? सो ये आपके चार अलग अलग टाइप के टिश्यूज थे जो कि आपने देखे। इन द नेक्स्ट सेशन वी वुड बी टॉकिंग अबाउट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। यानी यहां पर आपने टिश्यूज की बात कर ली, राइट? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप ऑलरेडी देख चुके हैं एनिमल किंगडम के अंदर, पॉलीफेरा में। टिश्यू की आपने बात कर ली, एनिमल्स के अंदर कौन कौन से टिश्यूज होते हैं। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की आप डिस्कशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आपको एक टाइप स्टडी करनी होती है, किसकी? आर्थ्रोपोडा के कॉकरोच की। यानी एक इंसेक्ट है जिसकी आपको टाइप स्टडी करनी है, उसका आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारी चीजें पढ़नी रहती हैं। तो उसको भी हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन के अंदर कंप्लीट कर देंगे, सो दैट हमारी दो यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे। एंड आफ्टर दैट हम अच्छी यूनिट्स पे पहुंच जाएंगे, प्रैक्टिकल यूनिट्स पे, जिनमें बहुत मजा आता है। सेल है, बायोमोलिक्यूल्स है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, प्लांट फिजियो, एनिमल फिजियो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, राइट? देयर आर अ लॉट ऑफ यूनिट्स व्हिच आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बायोटेक, इकोलॉजी, लगभग सारा का सारा सामान अब आपका अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आपको जितनी मेहनत करनी थी यहां तक तुमने कर ली। अगर तुम्हें यह समझ में आ गया, जो कि मैंने अपने हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग बनाया है, अगर तुम्हें यह समझ में आ गया, आगे की सारी चीजें तुम प्योरली मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, वो तुम्हें समझ में आएंगी आएंगी, क्योंकि वो टॉपिक्स ही समझने के हैं, उसमें रटने का कुछ है ही नहीं। सिर्फ मिनरल न्यूट्रिशन में आपको जो चीजें बताऊंगा वो आपको कुछ याद करनी पड़ेंगी, उसके लिए मैं आपको ट्रिक्स दे दूंगा, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में कुछ एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, जो कि मैं आपको बता दूंगा कहां कहां आपको कुछ कुछ याद करना है। एक दो लाइन से आपको याद करनी पड़ेंगी पर पैराग्राफ, बाकी सारी चीजें टोटली टोटली अंडरस्टैंडेबल है, टोटली कंसेप्चुअल क्लैरिटी ओरिएंटेड है, और आपको मजा भी आ जाएगा उनके अंदर। तो अब इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की शुरुआत हो जाएगी, एक दिन में एक चैप्टर भी पढ़ोगे मजेदार तरीके से समझ में आ जाएगा, राइट? लेकिन कोई अगर बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर होगा, जिनको अपने शेड्यूल में अपन ने दो दिन दे रखे हैं उसको हम तीन दिन दे देंगे, कहीं अगर एक दिन दे रखा है उसको अपन दो दिन दे देंगे, सैटरडे संडे को इस हिसाब से हम लोग यूटिलाइज कर लेंगे, एंड सो ऑन। क्योंकि सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है बहुत जल्दी जल्दी करा दिया, आराम से जो टाइम होगा जो पेस होगी वो लेंगे, और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, राइट? सो थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, आई श्योरली कैच यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, और मार्क्सअप के साथ बने रहिए और हमारी टीम को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।